और क्यों ना देखें ऋतिक वर्सेस टाइगर की ये टक्कर। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर वॉर 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और फिल्म को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। एक तरफ है ऋतिक रोशन जो पिछले दशक के इकलौते युवा सुपरस्टार हैं और दूसरी तरफ है टाइगर श्रॉफ जो इस दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। ऐसे में ये दो एक्टर्स जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो हार और जीत जिसकी भी हो, लेकिन हार जीत तक पहुंचने की जद्दोजहद देखने में फैंस को बड़ा मजा आने वाला है। काफी समय बाद बॉलीवुड को इतने भव्य स्तर की एक्शन फिल्म मिल रही है, इसलिए लोगों को फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में आज हम आपके सामने लाए हैं ठोस वो कारण जो ये साफ करेंगे कि फिल्म देखें या ना देखें। ऋतिक का एक्शन। ऋतिक रोशन पिछले दो दशकों में बॉलीवुड के बेस्ट एक्शन स्टार हैं और बैंग बैंग के बाद उन्हें वापस इस शानदार अंदाज में देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित हैं। इस फिल्म के ट्रेलर से निश्चित है कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में अपनी पूरी जान फूंक चुके हैं। टाइगर की टक्कर। ऋतिक रोशन को फिल्म में टक्कर दे रहे हैं टाइगर श्रॉफ। अब जरा सोचिए कि जब इस दशक के बेस्ट एक्शन स्टार पिछले दशक के बेस्ट एक्शन स्टार से टक्कर लेंगे तो स्क्रीन पर बवाल मचना तय है। बेहतरीन स्टंट। फिल्म के स्टंट पर काफी मेहनत की गई है। इन स्टंट्स को विदेश के स्टंटमैन ने खास देखरेख में डिजाइन किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसे भव्य स्टंट सीन कभी नहीं देखे होंगे। ऋतिक का कमबैक। ऋतिक के फैंस बैंग बैंग के बाद से उनके धमाकेदार कमबैक का इंतजार कर रहे हैं और वार उन फैंस के लिए वही फिल्म हो सकती है। उनकी ग्रीक गॉड इमेज और ग्रे शर्ट दोनों ही फिल्म में चार चांद लगा सकते हैं। बड़ा बैनर। यशराज फिल्म्स एक बहुत ही बड़ा बैनर है, ऐसे में फैंस को इस बैनर की फिल्मों से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। पिछली कुछ फिल्मों ने फैंस को धोखा दिया है, जिसके बाद यशराज फिल्म के नए प्रोजेक्ट से फैंस को बहुत उम्मीदें हैं। वाणी कपूर मिसमैच। फिल्म में वाणी कपूर दो एक्शन हीरो के बीच तड़का लगाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा डर है कि कहीं ये तड़का फिल्म की गति को ठंडा और बेस्वाद ना कर दे। ठंडा म्यूजिक। फिल्म का म्यूजिक ठंडा है। अभी तक फिल्म के जितने भी गाने रिलीज हुए हैं उन्होंने फैंस पर ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ा, ऐसे में फिल्म के संगीत से किसी को ज्यादा उम्मीदें नहीं बची हैं। VFX। देखा गया है कि अच्छी से अच्छी फिल्म भी VFX के आगे घुटने टेक देती है। हालांकि वॉर का बजट काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर फिल्म के VFX ने धोखा दिया तो फिल्म फैंस का मूड खराब कर सकती है। वॉर के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने कहा है कि भारत में ऋतिक रोशन से बड़ा एक्शन सुपरस्टार आज तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, बात जब एक्शन की आती है तो भारत में ऋतिक से बेहतर एक्शन सुपरस्टार कोई नहीं है। अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने और देश में एक्शन फिल्मों को और आगे ले जाने की अपनी कमिटमेंट की वजह से ही वो सबसे चहेते एक्शन सुपरस्टार हैं। ऋतिक पर बात करते हुए सिद्धार्थ आनंद ने आगे कहा, वॉर में ऋतिक ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है और दर्शकों को ऐसा शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा, उन्होंने असाधारण जोखिम उठाया है। 2 अक्टूबर को और भी ऑप्शन है। 2 अक्टूबर को एक तरफ वॉर रिलीज हो रही है तो दूसरी तरफ सईरा नरसिम्हा रेड्डी जिसका ट्रेलर लोगों को पसंद आया है, वहीं दूसरी तरफ जोकर भी इसी दिन रिलीज हो रही है। ऐसे में सबके पास आराम से वॉर के अलावा भी और भी ऑप्शन है। इसके अलावा वॉर के एक्शन सीक्वेंस के लिए भी टाइगर श्रॉफ ने काफी तैयारी की है। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है और आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म इसे प्रोड्यूस कर रही है। 2 अक्टूबर से ये फिल्म सिनेमाघरों में तहलका मचाएगी। ऋतिक और टाइगर की मूवी वॉर की 11 खास बातें कौन कौन सी हैं? शायद आपको तो नहीं पता होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। फिल्म वॉर में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ गुरु शिष्य के रोल में नजर आएंगे। खास बात यह है कि रियल लाइफ में भी टाइगर ऋतिक रोशन को अपना गुरु मानते हैं। फिल्म में ऋतिक और टाइगर के बीच रिश्ता तो गुरु चेले का होगा, लेकिन बदलते हालात में दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बनते दिखाई देंगे। फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ऐसे कई दमदार स्टंट्स और एक्शन सीन्स करते नजर आएंगे जो दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने फिनलैंड में बर्फ पर एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग की है। इस फिल्म के एक्शन सीन्स के लिए बहुत मेहनत की गई है। एक एक्शन सीन को फिल्माने के लिए पुर्तगाल का तटीय शहर पोर्ट्रे लगभग 2 दिनों के लिए बंद रहा था। फिल्म में एक एक्शन सीन उत्तरी ध्रुव पर एक ऐसे विशालकाय जहाज पर फिल्माया गया जो वहां समुद्र में जमी बर्फ तोड़ने का काम करता है। फिल्म वॉर में टाइगर और ऋतिक के साथ वाणी कपूर लीड रोल में नजर आएंगी। फिल्म में वाणी कपूर भी एक्शन करती हुई नजर आएंगी।
फिल्म में ऋतिक रोशन पुर्तगाल के शहर पोर्ट्रे में एक पुल से करीबन 300 फीट नीचे छलांग लगाते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि ऋतिक ने ये सीन बिना किसी सुरक्षा उपकरण के शूट किया है। फिल्म में टाइगर की एंट्री सीन को बड़े लेवल पर शूट किया गया है और इसे बॉलीवुड का अब तक का सबसे लंबा इंट्रोडक्टरी सीन बताया जा रहा है। ये एक 2.5 मिनट लंबा हाथापाई वाला सीक्वेंस है जिसे टाइगर ने एक शॉट में शूट किया है। इस खास सीन को एक्शन कोरियोग्राफर सी योंग ओ ने टाइगर के लिए डिजाइन किया है। फिल्म में टाइगर दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन गन में से एक गैटलिंग चलाते नजर आएंगे। वॉर फिल्म कैसे बनने जा रही है बॉलीवुड की बाहुबली। इस फिल्म को अभी से 2000 करोड़ी फिल्म क्यों कहा जा रहा है। वॉर अपने पहले दिन 102 करोड़ का बिजनेस कैसे करेगी और क्या पहले वीकेंड में वॉर 500 करोड़ी फिल्म बन पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड के एक्शन लवर्स के साथ साथ ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों के फैंस को इन दिनों बस एक ही फिल्म का इंतजार है और उस फिल्म का नाम है वॉर। इस धमाकेदार एक्शन फिल्म के टीजर हो या ट्रेलर, सभी ने दर्शकों का जमकर प्यार पाया है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब इसका रैप अप वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ बीते काफी दिनों से अपनी इस फिल्म वॉर को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में वॉर का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसमें ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के बीच घमासान की झलक ने लोगों को दीवाना बना दिया था। इस ट्रेलर में गुरु चेले की जंग काफी दिलचस्प दिखाई दे रही थी और अब शूटिंग के सेट से एक ताज़ा वीडियो लीक हुआ है। इस वीडियो को यशराज फिल्म ने अपनी सोशल मीडिया वॉल पर पोस्ट किया है। इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है एंड इट्स रैप फॉर #war कैच इट इन सिनेमाज नियर यू ऑन 2nd October #RitikVersusTiger #Ritik #TigerShroff #WaniOfficial #SiddharthAnand #WarTheFilm। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे इस शूट खत्म होने के पलों में इमोशनल होकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। यहाँ पूरी टीम को आपस में पोज देते, सेल्फी और फोटो क्लिक करते भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि टाइगर ने हाल ही में फिल्म के बारे में बताया था, मैं ऋतिक सर के साथ जो फिल्म कर रहा हूँ वो कुछ ऐसी है जो एक दूसरे के बिना नहीं बन सकती थी। सही कर्मव्यय और संयोजन और सही स्क्रिप्ट का मिलना दुर्लभ है जो हम दोनों को ही अपने अपने तरीके से अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका दे। तो इस बात से साफ लग रहा है कि टाइगर श्रॉफ को ऋतिक रोशन के साथ काम करके काफी मजा आया। इनफैक्ट वो खुद कहते भी हैं कि वो खुद ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फैन हैं। वेल, आपको बता दें कि इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद है। गौरतलब है कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के अलावा वाणी कपूर, अनुप्रिया और दीपानिता शर्मा भी अहम किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म का निर्माण यशराज फिल्म्स द्वारा किया जा रहा है और ये फिल्म हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि फिल्म क्रिटिक्स अनुमान लगा रहे हैं कि वॉर अपने पहले दिन करीब 102 से 105 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, क्योंकि इन दोनों एक्टरों का बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रेट अभी बहुत ज्यादा है। इन दोनों एक्टरों को बॉलीवुड में परफेक्ट एक्टर के रूप में देखा जाता है और सभी वर्ग इनकी फिल्में देखने जाते हैं। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि वॉर अपने पहले वीकेंड में 500 से 600 करोड़ तक का बिजनेस आसानी से कर लेगी और इसीलिए वॉर का कुल अनुमानित बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2000 करोड़ी होने की भी संभावना है और यही वजह है कि इस फिल्म को बॉलीवुड की बाहुबली कहा जा रहा है। तो दोस्तों, अब आप कितना एक्साइटेड हैं वॉर फिल्म को लेकर और आपको क्या लगता है ये फिल्म अपने ओपनिंग डे कलेक्शन और वीकेंड कलेक्शन में कितने करोड़ कमाएगी। क्या होगा जब टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन चिरंजीवी की 250 करोड़ी फिल्म के सामने खड़े होंगे और इन दोनों फिल्मों को लेकर इतना हल्ला क्यों हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, 2019 में कई बार सेम डेट पर एक से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई हैं।
इसलिए अब क्लैश जैसे शब्दों का इस्तेमाल कम हो गया है। लेकिन जब एक ही दिन दो बड़े बजट और सुपरस्टार्स वाली फिल्में रिलीज होती हैं, तो उस टकराव का वजन यही शब्द वहन करता है। इतनी भूमिका इसलिए बांधी जा रही है क्योंकि 2 अक्टूबर 2019 को वॉर और सायरा नरसिम्हा रेड्डी एक साथ रिलीज हो रही है। इन फिल्मों का इतना ज्यादा बज क्यों है? इन फिल्मों के साथ रिलीज होने से क्या दिक्कत हो सकती है? रिलीज से पहले क्या दिक्कत आ रही है और इस बारे में इन दोनों फिल्मों से जुड़े लोगों का क्या कहना है, ये सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों फिल्मों का इतना बज क्यों है। जैसा कि सभी जानते हैं, वॉर फिल्म में टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन पहली बार साथ काम कर रहे हैं। ऋतिक के स्टारडम के बारे में तो आपको पता ही है, बाकी टाइगर को नेक्स्ट सुपरस्टार कहा जा रहा है क्योंकि उनकी फिल्में छप्पर फाड़ कमाई करती है। फिल्म में वर्ल्ड क्लास एक्शन और ऋतिक टाइगर के बीच टॉप क्लास डांस फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है। तो दूसरी ओर है सायरा नरसिम्हा रेड्डी। तकरीबन 250 करोड़ रुपए के बजट में बनी पीरियड एक्शन फिल्म जिसमें साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सुपरस्टार्स काम कर रहे हैं। अब ऐसी फिल्मों का बज ना हो तो किसका होगा? पहले बात करते हैं कि रिलीज होने में दिक्कत क्या है। दिक्कत बड़ी है, ये लोकल ग्राउंड में होने वाला 500 रुपए का क्रिकेट मैच नहीं है जिसमें हारे या जीते ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन फिल्मों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और शर्त ये है कि ये मैच किसी भी हाल में जीतना ही है। कहने का मतलब दोनों ही फिल्मों के प्रोड्यूसर चाहेंगे कि उनका खर्च किया हुआ पैसा 2-3 गुना बढ़ाकर वापस आए। ये कमाई कैसे होगी जब बहुत सारे लोग इन फिल्मों को देखेंगे? लेकिन जब दो फिल्में एक साथ रिलीज होंगी तो इनके दर्शक भी बटेंगे, यानी दोनों ही फिल्मों को ठीक ठाक नुकसान होगा। साउथ में ऋतिक टाइगर की फिल्म दिक्कत में फंसेगी और नॉर्थ में चिरंजीवी का ड्रीम प्रोजेक्ट सायरा नरसिम्हा रेड्डी। अगर ये दोनों फिल्में अलग अलग तारीख पर रिलीज होंगी तो दोनों को ही बढ़िया फायदा होगा क्योंकि दर्शकों के पास दो में से चुनने का ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि रिलीज से पहले क्या समस्याएं आ गई हैं। समस्या ये है कि दोनों ही फिल्मों के प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि अधिकतर सिनेमाघरों में उनकी फिल्में लगें ताकि उनके हिस्से अधिक दर्शक और कमाई आए। इस चीज ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है क्योंकि फिल्में रिलीज करना एक दिन का काम नहीं है, लोग इस बिजनेस में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। ऐसे में प्रोड्यूसर्स ये धमकी दे रहे हैं कि जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उनकी फिल्में नहीं खरीदी वो आगे अपनी कोई फिल्म उन्हें नहीं बेचेंगे। आज तो ये बात ऋतिक रोशन और चिरंजीवी के बारे में है, लेकिन कल को जब मामला एक बड़ी और एक छोटी फिल्म के बीच फंसेगा तो दिक्कत में फंसेंगे ये डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब बात करते हैं दोनों फिल्मों से जुड़े लोगों का इस मसले पर क्या कहना है। देखिए, भीतर से तो दोनों ही ओर के लोग ये चाहते हैं कि ये फिल्में साथ में रिलीज ना हो क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन नुकसान तो दोनों ही फिल्मों का है। ऐसे में प्रोड्यूसर्स के लेवल पर तो जो बात हो रही है सो हो ही रही है, एक्टर्स भी तिगड़म बिढ़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऋतिक रोशन जहां सुपर 30 के प्रमोशन के दौरान तेलुगु टीवी चैनल पर चिरंजीवी की तारीफ कराए हैं, तो चिरंजीवी ने अपनी फिल्म का प्रमोशन आंध्र प्रदेश की बजाय मुंबई से शुरू किया है। साथ ही चिरंजीवी ने नॉर्थ इंडिया में अपनी फिल्म की चर्चा बढ़ाने के लिए प्रमोशनल इवेंट्स में अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को भी साथ लाने की प्लानिंग की है। लेकिन सायरा नरसिम्हा रेड्डी को हिंदी में रिलीज करने जा रहे फरहान अख्तर ने कहा है कि हमें दो फिल्मों को एक ही दिन रिलीज करने से आगे के बारे में सोचना चाहिए। फरहान ने कहा कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दो फिल्में एक दिन रिलीज हो और जनता दोनों ही फिल्मों को देखे। ये तो हो गई वो सारी लॉजिकल बातें जो फिल्म की रिलीज से पहले की जा सकती थी। वॉर और सायरा नरसिम्हा रेड्डी दोनों ही फिल्मों से बड़ा और बलवान है समय, और वही ये बताएगा कि कौन सी फिल्म कैसा परफॉर्म करती है। बाकी तो दोस्तों कंटेंट इज किंग वाली कहावत तो आपने भी सुनी होगी, इसी लाइन को पुकारते हुए 2 अक्टूबर का इंतजार कीजिए। लेकिन हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, जब इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आपस में टकराएंगी क्या दोनों ही फिल्में अच्छा कलेक्शन कर लेंगी या फिर कोई किसी पर भारी पड़ जाएगा? वॉर का क्लाइमैक्स दुनिया के सबसे बड़े जहाज पर क्यों शूट किया गया है और ऋतिक रोशन क्यों कह रहे हैं कि 50 सालों तक वो हीरो ही रहेंगे?
नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सुपर 30 के बाद ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी एक्शन फिल्म वॉर को लेकर चर्चा में है, जिसका फैंस भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब बॉलीवुड के दो एक्शन हीरो माने जाने वाले सुपरस्टार एक साथ एक फिल्म का हिस्सा बनेंगे, वो भी फिल्म में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ ये बात काफ़ी समय से कहते आए हैं कि वो ऋतिक रोशन को अपनी प्रेरणा मानते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि इस फिल्म में उन्हें ऋतिक रोशन के साथ स्क्रीन शेयर करने और उनके अपोजिट काम करने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ अपने रिश्ते पर ऋतिक रोशन ने एक खुलासा किया है। ऋतिक रोशन ने बताया है कि वॉर फिल्म को साइन करने की सबसे बड़ी वजह उनके लिए टाइगर रहे हैं। ऋतिक रोशन ने कहा कि सुपर 30 करने के बाद मैं आलसी हो गया था, मैं बस खाना खा रहा था, वर्कआउट मेरा थम चुका था, मैं बहुत खुश था। इसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि वापसी कैसे करूं। अब मेरे लिए कहानी का चुनाव अहम है, मुझे ऐसी कहानी की तलाश थी जो मेरी पिछली फिल्म की तरह एम्पावर कर सके। ऋतिक आगे बताते हैं कि इस बीच मेरे जॉइंट्स में दर्द हो रहा था, स्टिफनेस भी नहीं थी, और आखिरकार मुझे एक स्क्रिप्ट मिली और मैंने निर्देशक सिद्धार्थ आनंद और निर्माता आदित्य चोपड़ा से कहा कि मैं वॉर फिल्म तभी करूंगा जब इसमें टाइगर श्रॉफ होंगे। ऋतिक रोशन ने टाइगर की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे पता है कि टाइगर एकमात्र ऐसा एक्टर है जो मेरे सामने खड़ा हो सकता है, मुझे उससे बराबरी करने के लिए अपना बेस्ट देना होगा। टाइगर यहाँ पर 50 साल तक रहने वाला है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वहीं टाइगर श्रॉफ कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो बचपन से ऋतिक रोशन के फैन रहे हैं, अपने आइडल के साथ काम करना उनके लिए सपने के समान है। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही पूरी होने वाली है और ये फिल्म इसी साल 2 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। ऋतिक और टाइगर श्रॉफ के साथ इस फिल्म में वाणी कपूर भी अहम भूमिका में नजर आने वाली हैं। तो जहां फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और काफी सारी इन्फॉर्मेशन से भी पता चला है कि ये फिल्म एक्शन से लबरेज होने वाली है, तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि वॉर को ऐसे लोकेशंस पर शूट किया गया है जहां पर हिंदी फिल्म के मेकर्स शूटिंग करने से बचते हैं। और ऐसे ही एक फाइनल सीन को दुनिया के सबसे बड़े जहाज पर 5 घंटे में शूट किया गया है और आप इसे क्लाइमैक्स सीन भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि क्लाइमैक्स में ऋतिक और टाइगर के बीच एक फाइनल फाइट दिखाई जाएगी। इस सीन में दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ तोड़ने वाला जहाज इस्तेमाल किया गया है। वेल, इस सीन की शूटिंग करना इतना आसान नहीं था। 5 महीने के इंतजार के बाद इस सीन की शूटिंग की गई। ये सीन उत्तरी ध्रुव के स्थान पर शूट हुआ, जहां पर साल में एक बार 24 घंटे तक सूरज अस्त नहीं होता, और इसीलिए माना जा रहा है कि ये सीन इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी होगी। अब तक किसी भी फिल्म में इस स्तर का एक्शन सीन नहीं किया गया है और साथ ही इस तरह की शूटिंग भी किसी भी फिल्म में नहीं की गई है। आपको बता दें कि उत्तरी ध्रुव पर एक ऐसा विशालकाय जहाज है जो कि सतह पर तैरती 10 फुट गहरी बर्फ भी तोड़ सकता है। ये जहाज 300 फीट लंबा है और इस जगह पर शूटिंग करने की वजह खुद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने भी बताई है। सिद्धार्थ आनंद ने इस बारे में बताया कि मेरी पत्नी कुछ साल पहले आर्कटिक गई थी, वहां पर उन्होंने बर्फ तोड़ने वाले जहाज का वीडियो बनाया था। मैं इसे देखने के बाद हैरान रह गया और तब से मेरे मन में ये जगह छाई हुई थी। तभी मैंने सोचा था कि यहाँ पर एक दिन शूटिंग जरूर करूंगा। वॉर की शूटिंग के दौरान मैंने अपना ये सपना भी पूरा किया है। वेल, सिद्धार्थ आनंद ने यह भी बताया कि भारतीय सिनेमा में अभी तक ऐसी कोई एक्शन फिल्म नहीं बनी है, क्योंकि वॉर के एक्शन सीक्वेंस को डिजाइन करने में 1 साल से अधिक का समय गया है। खबर है कि फिल्म को 180 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया गया है। साथ ही इस फिल्म में एक एरोप्लेन सीन भी है जो फिल्म की कमाई को 4 चांद लगा सकता है। जी हाँ, ऐसी खबर है कि इस सीन के लिए 10 करोड़ से अधिक की रकम लगाई गई है। स्पेन, जॉर्जियो, स्वीडन और पुर्तगाल जैसी खूबसूरत जगहों में फिल्म की शूटिंग की गई है, जो कि वाकई में फिल्म के थ्रिल और एक्शन को बढ़ाने का काम करेगा। क्यों कहा जा रहा है कि मिशन इम्पॉसिबल और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी धमाकेदार एक्शन फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक एक्शन होगा ऋतिक टाइगर की वॉर फिल्म का। वॉर फिल्म
कैसे बनेगी आज तक की सबसे बेहतरीन एक्शन फिल्म। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। प्रभास की साहो के बाद हिंदी सिनेमा की एक और फिल्म का प्रमोशन अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म के तौर पर किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इस साल 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की एक्शन फिल्म वॉर की। ट्रेलर रिलीज के साथ वॉर ने ये बता दिया है कि एक्शन के स्तर पर ये फिल्म कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए तैयार है। इसके साथ जिस तरह से इस फिल्म के कई यादगार सीन्स की तैयारी हुई है उसके किस्से इन दिनों खबरों का हिस्सा बन गए हैं। वॉर के हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर पॉल जेनिंग्स ने इसे अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म करार दे दिया है। पॉल जेनिंग्स ने बताया कि वॉर मेरी पहली हिंदी फिल्म है। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि वॉर का एक्शन देखने के बाद भारतीय फिल्मों के दर्शक मिशन इम्पॉसिबल और फास्ट एंड फ्यूरियस का एक्शन भूल जाएंगे। वो आगे कहते हैं कि वॉर करने के बाद मुझे हिंदी फिल्मों से प्यार हो गया है। मेरा मानना है कि यहाँ पर एक्शन को और बढ़ाया जा सकता है। ये भी सच है कि भारतीय फिल्मों के बजट सीमित होते हैं, लेकिन वॉर में ऐसा नहीं हुआ है। इस फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं, वो एक्शन को लेकर काफी फोकस थे। वो बेहतरीन करना चाहते थे, इसलिए हमारी सोच को बजट से बांधा नहीं गया। वॉर के एक्शन को समझाते हुए वो कहते हैं कि वॉर और किसी दूसरी हॉलीवुड फिल्म के एक्शन सीन में किसी भी तरह की समानता नहीं दिखेगी। इस फिल्म में हॉलीवुड की फिल्मों के आगे का एक्शन है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों केवल एक्टिंग तक सीमित नहीं है, खुद को बेहतर बनाने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण भी करते हैं, फाइटिंग सीन्स की तैयारी करते हैं, डाइट पर भी ध्यान देते हैं। दोनों सेट पर सुपरस्टार्स जैसे बर्ताव नहीं करते, दोनों से सीखा जा सकता है और बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए कुल 4 एक्शन डायरेक्टर्स रखे गए हैं जो कि इसे स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप सबको कितना इंतजार है वॉर फिल्म का हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खुदा हाफिज। वॉर का क्लाइमैक्स दुनिया के सबसे बड़े जहाज पर क्यों शूट किया गया है और ऋतिक रोशन क्यों कह रहे हैं कि 50 सालों तक वो हीरो ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों सुपर 30 के बाद ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी एक्शन फिल्म वॉर को लेकर चर्चा में है, जिसका फैंस भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब बॉलीवुड के दो एक्शन हीरो माने जाने वाले सुपरस्टार एक साथ एक फिल्म का हिस्सा बनेंगे, वो भी फिल्म में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ ये बात काफ़ी समय से कहते आए हैं कि वो ऋतिक रोशन को अपनी प्रेरणा मानते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि इस फिल्म में उन्हें ऋतिक रोशन के साथ स्क्रीन शेयर करने और उनके अपोजिट काम करने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ अपने रिश्ते पर ऋतिक रोशन ने एक खुलासा किया है। ऋतिक रोशन ने बताया है कि वॉर फिल्म को साइन करने की सबसे बड़ी वजह उनके लिए टाइगर रहे हैं। ऋतिक रोशन ने कहा कि सुपर 30 करने के बाद मैं आलसी हो गया था, मैं बस खाना खा रहा था, वर्कआउट मेरा थम चुका था, मैं बहुत खुश था। इसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि वापसी कैसे करूं, अब मेरे लिए कहानी का चुनाव अहम है, मुझे ऐसी कहानी की तलाश थी जो मेरी पिछली फिल्म की तरह एम्पावर कर सके। ऋतिक आगे बताते हैं कि इस बीच मेरे जॉइंट्स में दर्द हो रहा था, स्टिफनेस भी नहीं थी, और आखिरकार मुझे एक स्क्रिप्ट मिली और मैंने निर्देशक सिद्धार्थ आनंद और निर्माता आदित्य चोपड़ा से कहा कि मैं वॉर फिल्म तभी करूंगा जब इसमें टाइगर श्रॉफ होंगे। ऋतिक रोशन ने टाइगर की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे पता है कि टाइगर एकमात्र ऐसा एक्टर है जो मेरे सामने खड़ा हो सकता है, मुझे उससे बराबरी करने के लिए अपना बेस्ट देना होगा। टाइगर यहाँ पर 50 साल तक रहने वाला है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वहीं टाइगर श्रॉफ कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो बचपन से ऋतिक रोशन के फैन रहे हैं, अपने आइडल के साथ काम करना उनके लिए सपने के समान है। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही पूरी होने वाली है और ये फिल्म इसी साल 2 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। ऋतिक और टाइगर श्रॉफ के साथ इस फिल्म में वाणी कपूर भी अहम भूमिका में नजर आने वाली हैं।
तो जहां फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और काफी सारी इन्फॉर्मेशन से भी पता चला है कि ये फिल्म एक्शन से लबरेज होने वाली है, तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि वॉर को ऐसे लोकेशंस पर शूट किया गया है जहां पर हिंदी फिल्म के मेकर्स शूटिंग करने से बचते हैं। और ऐसे ही एक फाइनल सीन को दुनिया के सबसे बड़े जहाज पर 5 घंटे में शूट किया गया है और आप इसे क्लाइमैक्स सीन भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि क्लाइमैक्स में ऋतिक और टाइगर के बीच एक फाइनल फाइट दिखाई जाएगी। इस सीन में दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ तोड़ने वाला जहाज इस्तेमाल किया गया है। इस सीन की शूटिंग करना इतना आसान नहीं था। 5 महीने के इंतजार के बाद इस सीन की शूटिंग की गई। ये सीन उत्तरी ध्रुव के स्थान पर शूट हुआ जहां पर साल में एक बार 24 घंटे तक सूरज अस्त नहीं होता और इसीलिए माना जा रहा है कि ये सीन इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी होगी। अब तक किसी भी फिल्म में इस स्तर का एक्शन सीन नहीं किया गया है और साथ ही इस तरह की शूटिंग भी किसी भी फिल्म में नहीं की गई है। आपको बता दें कि उत्तरी ध्रुव पर एक ऐसा विशालकाय जहाज है जो कि सतह पर तैरती 10 फुट गहरी बर्फ भी तोड़ सकता है। ये जहाज 300 फीट लंबा है और इस जगह पर शूटिंग करने की वजह खुद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने भी बताई है। सिद्धार्थ आनंद ने इस बारे में बताया कि मेरी पत्नी कुछ साल पहले आर्कटिक गई थी, वहां पर उन्होंने बर्फ तोड़ने वाले जहाज का वीडियो बनाया था। मैं इसे देखने के बाद हैरान रह गया और तब से मेरे मन में ये जगह छाई हुई थी। तभी मैंने सोचा था कि यहाँ पर एक दिन शूटिंग जरूर करूंगा। वॉर की शूटिंग के दौरान मैंने अपना ये सपना भी पूरा किया है। सिद्धार्थ आनंद ने यह भी बताया कि भारतीय सिनेमा में अभी तक ऐसी कोई एक्शन फिल्म नहीं बनी है क्योंकि वॉर के एक्शन सीक्वेंस को डिजाइन करने में 1 साल से अधिक का समय गया है। खबर है कि फिल्म को 180 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया गया है। साथ ही इस फिल्म में एक एरोप्लेन सीन भी है जो फिल्म की कमाई को 4 चांद लगा सकता है। जी हाँ, ऐसी खबर है कि इस सीन के लिए 10 करोड़ से अधिक की रकम लगाई गई है। स्पेन, जॉर्जियो, स्वीडन और पुर्तगाल जैसी खूबसूरत जगहों में फिल्म की शूटिंग की गई है जो कि वाकई में फिल्म के थ्रिल और एक्शन को बढ़ाने का काम करेगा और यही वजह है कि दर्शकों को भी इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। वॉर का क्लाइमैक्स दुनिया के सबसे बड़े जहाज पर क्यों शूट किया गया है और ऋतिक रोशन क्यों कह रहे हैं कि 50 सालों तक वो हीरो ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सुपर 30 के बाद ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी एक्शन फिल्म वॉर को लेकर चर्चा में है जिसका फैंस भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब बॉलीवुड के 2 एक्शन हीरो माने जाने वाले सुपरस्टार एक साथ एक फिल्म का हिस्सा बनेंगे, वो भी फिल्म में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ ये बात काफी समय से कहते आए हैं कि वो ऋतिक रोशन को अपनी प्रेरणा मानते हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि इस फिल्म में उन्हें ऋतिक रोशन के साथ स्क्रीन शेयर करने और उनके अपोजिट काम करने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि पहली बार टाइगर श्रॉफ के साथ अपने रिश्ते पर ऋतिक रोशन ने एक खुलासा किया है। ऋतिक रोशन ने बताया है कि वॉर फिल्म को साइन करने की सबसे बड़ी वजह उनके लिए टाइगर रहे हैं। ऋतिक रोशन ने कहा कि सुपर 30 करने के बाद मैं आलसी हो गया था, मैं बस खाना खा रहा था, वर्कआउट मेरा थम चुका था, मैं बहुत खुश था। इसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि वापसी कैसे करूं, अब मेरे लिए कहानी का चुनाव अहम है। मुझे ऐसी कहानी की तलाश थी जो मेरी पिछली फिल्म की तरह एम्पावर कर सके। ऋतिक आगे बताते हैं कि इस बीच मेरे जॉइंट्स में दर्द हो रहा था, स्टिफनेस भी नहीं थी और आखिरकार मुझे एक स्क्रिप्ट मिली और मैंने निर्देशक सिद्धार्थ आनंद और निर्माता आदित्य चोपड़ा से कहा कि मैं वॉर फिल्म तभी करूंगा जब इसमें टाइगर श्रॉफ होंगे। ऋतिक रोशन ने टाइगर की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे पता है कि टाइगर एकमात्र ऐसा एक्टर है जो मेरे सामने खड़ा हो सकता है,
मुझे उससे बराबरी करने के लिए अपना बेस्ट देना होगा। टाइगर यहाँ पर 50 साल तक रहने वाला है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वहीं टाइगर श्रॉफ कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो बचपन से ऋतिक रोशन के फैन रहे हैं। अपने आइडल के साथ काम करना उनके लिए सपने के समान है। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग जल्द ही पूरी होने वाली है और ये फिल्म इसी साल 2 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। ऋतिक और टाइगर श्रॉफ के साथ इस फिल्म में वाणी कपूर भी अहम भूमिका में नजर आने वाली हैं। तो जहां फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और काफी सारी इन्फॉर्मेशन से भी पता चला है कि ये फिल्म एक्शन से लबरेज होने वाली है, तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि वॉर को ऐसे लोकेशंस पर शूट किया गया है जहां पर हिंदी फिल्म के मेकर्स शूटिंग करने से बचते हैं। और ऐसे ही एक फाइनल सीन को दुनिया के सबसे बड़े जहाज पर 5 घंटे में शूट किया गया है और आप इसे क्लाइमैक्स सीन भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि क्लाइमैक्स में ऋतिक और टाइगर के बीच एक फाइनल फाइट दिखाई जाएगी। इस सीन में दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ तोड़ने वाला जहाज इस्तेमाल किया गया है। इस सीन की शूटिंग करना इतना आसान नहीं था। 5 महीने के इंतजार के बाद इस सीन की शूटिंग की गई। ये सीन उत्तरी ध्रुव के स्थान पर शूट हुआ जहाँ पर साल में एक बार 24 घंटे तक सूरज अस्त नहीं होता और इसीलिए माना जा रहा है कि ये सीन इस फिल्म की सबसे बड़ी USP होगी। अब तक किसी भी फिल्म में इस स्तर का एक्शन सीन नहीं किया गया है और साथ ही इस तरह की शूटिंग भी किसी भी फिल्म में नहीं की गई है। आपको बता दें कि उत्तरी ध्रुव पर एक ऐसा विशालकाय जहाज है जो कि सतह पर तैरती 10 फुट गहरी बर्फ भी तोड़ सकता है। ये जहाज 300 फीट लंबा है और इस जगह पर शूटिंग करने की वजह खुद निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने भी बताई है। सिद्धार्थ आनंद ने इस बारे में बताया कि मेरी पत्नी कुछ साल पहले आर्कटिक गई थी, वहां पर उन्होंने बर्फ तोड़ने वाले जहाज का वीडियो बनाया था। मैं इसे देखने के बाद हैरान रह गया और तब से मेरे मन में ये जगह छाई हुई थी। तभी मैंने सोचा था कि यहाँ पर एक दिन शूटिंग जरूर करूंगा। वॉर की शूटिंग के दौरान मैंने अपना ये सपना भी पूरा किया है। सिद्धार्थ आनंद ने यह भी बताया कि भारतीय सिनेमा में अभी तक ऐसी कोई एक्शन फिल्म नहीं बनी है क्योंकि वॉर के एक्शन सीक्वेंस को डिजाइन करने में 1 साल से अधिक का समय गया है। खबर है कि फिल्म को 180 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनाया गया है। साथ ही इस फिल्म में एक एरोप्लेन सीन भी है जो फिल्म की कमाई को 4 चांद लगा सकता है। जी हाँ, ऐसी खबर है कि इस सीन के लिए 10 करोड़ से अधिक की रकम लगाई गई है। स्पेन, जॉर्जियो, स्वीडन और पुर्तगाल जैसी खूबसूरत जगहों में फिल्म की शूटिंग की गई है जो कि वाकई में फिल्म के थ्रिल और एक्शन को बढ़ाने का काम करेगा। और यही वजह है कि दर्शकों को भी इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज। क्यों कहा जा रहा है कि मिशन इम्पॉसिबल और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी धमाकेदार एक्शन फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक एक्शन होगा ऋतिक टाइगर की वॉर फिल्म का। वॉर फिल्म कैसे बनेगी आज तक की सबसे बेहतरीन एक्शन फिल्म? हेलो दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। प्रभास की साहो के बाद हिंदी सिनेमा की एक और फिल्म का प्रमोशन अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म के तौर पर किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इस साल 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की एक्शन फिल्म वॉर की। ट्रेलर रिलीज के साथ वॉर ने यह बता दिया है कि एक्शन के स्तर पर यह फिल्म कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए तैयार है। इसके साथ जिस तरह से इस फिल्म के कई यादगार सीन्स की तैयारी हुई है उसके किस्से इन दिनों खबरों का हिस्सा बन गए हैं। वॉर के हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर पॉल जेनिंग्स ने इसे अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म करार दे दिया है। पॉल जेनिंग्स ने बताया कि वॉर मेरी पहली हिंदी फिल्म है। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि वॉर का एक्शन देखने के बाद भारतीय फिल्मों के दर्शक मिशन इम्पॉसिबल और फास्ट एंड फ्यूरियस का एक्शन भूल जाएंगे। वो आगे कहते हैं कि वॉर करने के बाद मुझे हिंदी फिल्मों से प्यार हो गया है। मेरा मानना है कि यहाँ पर एक्शन को और बढ़ाया जा सकता है। ये भी सच है कि भारतीय फिल्मों के बजट सीमित होते हैं, लेकिन वॉर में ऐसा नहीं हुआ है।
इस फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा हैं। वो एक्शन को लेकर काफी फोकस थे, वो बेहतरीन करना चाहते थे, इसलिए हमारी सोच को बजट से बांधा नहीं गया। वॉर के एक्शन को समझाते हुए वो कहते हैं कि वॉर और किसी दूसरी हॉलीवुड फिल्म के एक्शन सीन में किसी भी तरह की समानता नहीं दिखेगी। इस फिल्म में हॉलीवुड की फिल्मों के आगे का एक्शन है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों केवल एक्टिंग तक सीमित नहीं है, खुद को बेहतर बनाने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण भी करते हैं, फाइटिंग सीन्स की तैयारी करते हैं, डाइट पर भी ध्यान देते हैं। दोनों सेट पर सुपरस्टार्स जैसे बर्ताव नहीं करते, दोनों से सीखा जा सकता है और बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए कुल 4 एक्शन डायरेक्टर्स रखे गए हैं जो कि इसे स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप सबको कितना इंतजार है वॉर फिल्म का हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खुदा हाफिज। वॉर फिल्म पर ग्रहण क्यों लगने वाला है? वॉर फिल्म में 7 बड़े एक्शन क्यों डिजाइन किए गए हैं? क्या ये फिल्म हॉलीवुड को पीछे छोड़ देगी? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ की एक और नई वीडियो में। दोस्तों ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड फिल्म वॉर की शूटिंग तेजी से चल रही है। फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन अब रिलीज से पहले ही फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स यशराज फिल्म्स में फिल्म को लेकर तकरार हो चुकी है। दरअसल यशराज फिल्म्स इस फिल्म के साथ भी वही डील करना चाहते हैं जो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ की गई थी, यानी कि भारी नुकसान। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के दौरान फिल्म बहुत ही कम कीमतों पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेची गई और कहा गया कि ये बिल्कुल अलग तरह का ट्रेंड चलाने वाली फिल्म है, लेकिन फिल्म सुपर फ्लॉप हुई और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भारी नुकसान हुआ। अब यही डील यशराज फिल्म्स वॉर के लिए चाहते हैं। वॉर को भी अलग तरह का ट्रेंड लाने वाली फिल्म कहकर प्रचारित किया गया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स डरे हुए हैं कि अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिसली तो उन्हें भारी नुकसान होगा और लगातार इतना बड़ा नुकसान वो झेल नहीं सकते। हालांकि यशराज फिल्म्स भी अपनी डील पर अड़ी हुई है, ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं बचता दिख रहा है। हालांकि अगर 2 अक्टूबर का बॉक्स ऑफिस इतिहास देखा जाए तो चीजें इतनी बुरी नहीं है। दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर 2 अक्टूबर की फिल्में हमेशा ही धमाकेदार ओपनिंग के साथ खुली है। ऋतिक रोशन स्टारर बैंग बैंग 2 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म की ओपनिंग रही थी 27 करोड़ 75 लाख। वहीं बैंग बैंग के साथ टक्कर ली थी विशाल भारद्वाज की हैदर ने। 24 करोड़ की इस बेहतरीन फिल्म ने 6 करोड़ 7 लाख की ओपनिंग दी थी। वहीं रणबीर कपूर स्टारर बेशरम भले ही फ्लॉप थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन फिल्म की कमाई थी 20 करोड़। फिल्म 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी। वहीं 2 अक्टूबर 2009 को भी रणबीर कपूर की फिल्म रिलीज हुई थी वेकअप सेड। इस फिल्म ने 27 करोड़ का वीकेंड दिया था और ये फिल्म सुपरहिट रही थी। वहीं 2008 में गांधी जयंती के मौके पर द्रोण फिल्म रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री के लिए लकी नहीं थी और अभिषेक प्रियंका स्टारर द्रोण ने केवल 27 लाख की ही ओपनिंग दी थी। वहीं दूसरी ओर संजय दत्त इमरान खान स्टारर किडनैप भी गांधी जयंती के मौके पर ही रिलीज हुई थी। फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन कलेक्शन में द्रोण से दोगुनी रही थी। तो 2015 में आई सिंग इज ब्लिंग से बॉक्स ऑफिस को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म औंधे मुंह गिरी। तो वहीं सिंग इज ब्लिंग को टक्कर देने के लिए रिलीज हुई थी तलवार, जो कि बॉक्स ऑफिस पर स्लीपर हिट साबित हुई थी। फिल्म आरुषि तलवार हत्याकांड पर बनी थी। दोस्तों इन दिनों बॉलीवुड में पर्दे पर बैक टू बैक एक्शन फिल्में आ रही हैं। इस महीने प्रभास की साहो रिलीज हो रही है, जिसका एक्शन पहले से काफी चर्चा में है। तो वहीं 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली वॉर का एक्शन फैंस के होश उड़ाने के लिए आ रहा है। वॉर में बॉलीवुड के 2 एक्शन सुपरस्टार एक साथ एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देने वाले हैं। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ अपनी करियर की शुरुआत से एक्शन और डांस में माहिर माने जाते हैं। ऐसे में फिल्म मेकर्स ने खास तौर पर एक्शन सीन के लिए तगड़ी प्लानिंग की है।
आपको बता दें कि फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स को इन दिनों आखिरी रूप दिया जा रहा है। साथ ही बीते एक साल से एक्शन सीन पर यशराज फिल्म्स डिटेल में काम कर रहा है। वहीं आदित्य चोपड़ा वॉर के साथ किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि वॉर के साथ आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से बतौर निर्माता वापसी करने का मन बना चुके हैं। इस वजह से वो वॉर को दुनिया की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनाने की योजना में हैं। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार हॉलीवुड की किसी भी बड़ी एक्शन फिल्म में 4 बिग एक्शन सीन डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन आदित्य ने इनकी संख्या बढ़ा दी है। वॉर के लिए कुल मिलाकर 7 बड़े एक्शन डिजाइन किए गए हैं और इसी के साथ इस फिल्म के लिए कुल 4 एक्शन डायरेक्टर रखे गए हैं जो कि इसे स्क्रीन पर लेकर आएंगे। दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी फिल्मों के एक्शन डायरेक्टर पॉल जेनिंग्स तो दूसरी ओर डैश रेस के मशहूर एक्शन डायरेक्टर फ्रांज स्पिलहॉस के साथ टाइगर जिंदा है केसरी मैरीकॉम के एक्शन डायरेक्टर परवेज शेख ने वॉर के लिए स्पेशल एक्शन डिजाइन किए हैं। दोस्तों, ऐसा कारनामा पहली बार होगा। एक्शन सीन के संबंध में निर्देशक सिद्धार्थ आनंद कहते हैं कि भारत की किसी भी फिल्म में एक्शन डिजाइन करने में अभी तक एक साल का वक्त नहीं लगा है। वॉर ऐसी पहली फिल्म है जो भारतीय दर्शकों को इस स्तर का एक्शन दिखाएगी जिसे देखने के बाद उनको गर्व महसूस होगा। तो वहीं आपको बता दें कि वॉर की शूटिंग दुनिया के 7 देशों के 15 शहरों में हुई है। रियल लाइफ में भले ही टाइगर अपना आइडल ऋतिक को मानते हैं, लेकिन पहली बार दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे के दुश्मन बनकर। वहीं हाल ही में इस फिल्म की एक फोटो सामने आई है जिसमें बाइक से ऋतिक और टाइगर दोनों ही स्टार्स, जैसा कि इस फिल्म के पोस्टर को देखकर आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें काफी एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हैं वॉर फिल्म को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। वॉर फिल्म का टीजर चुपचाप क्यों लॉन्च कर दिया गया? आशुतोष राणा का इस फिल्म में किस प्रकार का कैरेक्टर है? सिद्धार्थ आनंद ने अभी तक किन किन फिल्मों को डायरेक्ट किया है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सुपर 30 में एक बिहार बेस्ड मैथमेटिशियन का रोल करने के बाद ऋतिक रोशन अपने होम टर्फ पर लौटे हैं एक्शन की ओर। जी हाँ, लेकिन इस बार उनके साथ एक्शन के नए पोस्टर बॉय टाइगर श्रॉफ भी नजर आने वाले हैं। काफी समय और दिमाग खर्च करके फिल्म का टाइटल चुना गया है वॉर, क्योंकि डायरेक्टर को लग रहा था कि वो जो कहानी दिखाने जा रहे हैं उसका नाम भी फिल्म जितना ही बड़ा होना चाहिए। आमतौर पर फिल्मों के पोस्टर से लेकर टीजर लॉन्च करते समय भी सोशल मीडिया पर हल्ला मच जाता है, लेकिन वॉर का टीजर चुपचाप बिना किसी अनाउंसमेंट के लॉन्च कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया ताकि फिल्म का टीजर लोगों को सरप्राइज करे और प्रभाव भी छोड़े। अब ऐसा हो पाता है कि नहीं, देखेंगे। फिलहाल हमने टीजर देखा और आपको बताने जा रहे हैं कि टीजर में क्या क्या दिखा। फिल्म का टीजर शेयर करते हुए ऋतिक रोशन ने अंग्रेजी में जो लिखा उसका अन्य शब्दों में मतलब है, टाइगर जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो हम उसके हेडमास्टर हैं। ये रियल और रियल दोनों ही तरह का सिचुएशन में सही बताया जा रहा है। रियल में ऋतिक पिछले 19 साल से एक्शन कर रहे हैं और टाइगर को आए हुए अभी कुछ साल ही हुए हैं। और जहां तक बात रील की है तो बताया जा रहा है कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन टाइगर के गुरु के रोल में है। परिस्थितियां इन्हें आमने सामने लाकर पटक देती हैं। इस दौरान गुरु और शिष्य के बीच बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, इसलिए फिल्म में ढेर सारा एक्शन है और काफी तोड़ू एक्शन है। इसकी एक झलक आपको टीजर में भी मिलती है। कुल मिलाकर काफी इंटरनेशनल फील आ रहा है। टीजर खुलता है एक बाइक चेस सीक्वेंस से जिसके कुछ एक सीन्स हमें आगे भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक एक करके फिल्म के लीड किरदारों के लुक दिखाए जाते हैं, फिर से ढेर सारा एक्शन और टीजर के आखिर में हैंड टू हैंड फाइट करते ऋतिक और टाइगर।
फिल्म में ऋतिक का लुक भी कुछ उम्र दराज ही लग रहा है, क्योंकि उनके सिर के साइड वाले बाल सफेद हो गए हैं। टीजर में ऐसा लग रहा है कि ऋतिक का कैरेक्टर फैमिली लाइफ में सेटल हो चुका था, लेकिन कोई ऐसी चीज घटती है जो उसे पुरानी दुनिया में खींच लाती है। हालांकि टाइगर के कैरेक्टर को पूरे टीजर में सिर्फ एक्शन करते हुए ही दिखाया गया है, इसीलिए बस ये पता चलता है कि उनका कैरेक्टर ऋतिक रोशन के खिलाफ है, लेकिन क्यों है इसका कुछ नहीं पता चलता। टीजर में कोई डायलॉग्स नहीं है, लेकिन फिल्म का बैकग्राउंड काफी थ्रिलर वाला फील देता है। वाणी कपूर ने बेफिक्रे के बाद इस फिल्म में काम किया है, इसमें वो ऋतिक रोशन के साथ नजर आएंगे। टीजर के एक सीन में ये दोनों एक साथ भी दिखाई देते हैं। इनके अलावा फिल्म में पद्मावत फेम अनुप्रिया गोयनका, आशुतोष राणा और दीपानिता शर्मा जैसे एक्टर्स भी काम कर रहे हैं, जो टीजर में दिखाई भी नहीं देते। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। सिद्धार्थ इससे पहले सलाम नमस्ते, तारा रमपम, बचना या हसीनों और अनजाना अनजानी जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। सिद्धार्थ की पिछली फिल्म बैंग बैंग थी, जिसमें ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ ने लीड रोल्स किए थे। इस फिल्म के ऋतिक में भी बैंग बैंग वाला ही फील आ रहा है। वॉर की शूटिंग सितंबर 2018 में शुरू हुई थी और अब खत्म हो चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने शूटिंग के दौरान कुछ क्लिप्स देखी और उन्हें मामला पसंद आ गया, इसीलिए अब इस फिल्म को सीरीज के रूप में बनाया जाएगा। तो ये खबर सुनने के बाद तो आप लोगों की एक्साइटमेंट जरूर बढ़ गई होगी। वेल, अब वॉर फिल्म भी हमें सीरीज के रूप में देखने को मिलेगी, तो फैंस तो एक्साइटेड होंगे ही। वेल, आपको बता दें कि ये फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जयंती वाले वीकेंड में रिलीज की जाएगी। तो आप इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राद स्टूडियोज़। को बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म क्यों कहा जा रहा है? ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ कैसे गाड़ेंगे इस फिल्म से इतिहास के झंडे? और एक लंबे अरसे तक बॉलीवुड में अपना दबदबा कायम रखने के पीछे का राज क्या है? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने अपनी आने वाली फिल्म वॉर के लिए एक्शन सीक्वेंस की तैयारी में एक साल से ज्यादा का वक्त लिया। उनका कहना है कि वो एक दमदार एक्शन से भरपूर ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो दर्शकों को रोमांच से भर दे। सिद्धार्थ ने एक बयान में कहा, ये सच है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी भी फिल्म ने एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने में एक साल से ज्यादा का टाइम लिया है। मैं एक्शन पर एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जो भारतीय दर्शकों को रोमांचक लगे, और इसके लिए हम सभी को इन एक्शन सीक्वेंस को डिजाइन करने में एक साल से अधिक वक्त लेना पड़ा। पॉल जेनिंग्स, द डार्क नाइट और गेम ऑफ थ्रोन्स, फ्रांस स्पिलहॉज, सेफ हाउस और डेथ रेस, सी यंग ओ, एज ऑफ अल्ट्रॉन और परवेज शेख, टाइगर जिंदा है, दुनिया के इन चार सबसे बेहतरीन एक्शन डायरेक्टर्स ने इस फिल्म के लिए एक एक्शन सीक्वेंस को साथ मिलकर डिजाइन किया है। इस बारे में सिद्धार्थ ने कहा, हमारे चार एक्शन डायरेक्टर्स दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और काम करते हैं, और वॉर को अब तक की सबसे बड़ी और अपने तरह का एक्शन फिल्म बनाने के लिए इनको साथ मिलाना जरूरी था। यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। इसमें ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और वाणी कपूर मुख्य भूमिकाओं में होंगे। दोस्तों, ऋतिक रोशन को भारत के प्रभावशाली सेलिब्रिटीज में से एक माना जाता है। ऋतिक को ग्रीक गॉड भी कहा जाता है। वो फिल्मों में अपने किरदार में परफेक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। फिल्मों में काफी सराहना मिलने के बाद ऋतिक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध सितारों में से एक हो गए और भारतीय मीडिया द्वारा उन्हें ऋतिक मैनिया का खिताब दे दिया गया। पहली फिल्म कहो ना प्यार है के पहले वो जे ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म आसपास के एक गाने शहर में चर्चे हैं में दिखाई दिए थे, जिसमें वो एक प्रेम पत्र धर्मेंद्र से हेमा मालिनी को पहुंचाते हैं। उन्होंने अपने पिता की फिल्में खेल और कोयला में सहायक के रूप में भी काम किया। इसके बाद उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो गईं और उनके करियर का ये वो दौर था जब एक मैगजीन ने अपने कवर पर ऋतिक का वर्णन करते हुए लिखा, फिनिश्ड।
इसके बाद उन्होंने इसी से प्रेरणा लेकर फिल्मों को साइन करने से पहले सतर्कता बरतनी शुरू की। करण जौहर के शो कॉफी विद करण के दौरान उन्होंने कहा कि अब वो एक समय के दौरान कई फिल्मों में काम करने की बजाय एक ही फिल्म में बेहतर ढंग से काम करेंगे। इसके बाद आई उनकी फिल्म कोई मिल गया में उनके अभिनय ने सभी का दिल जीत लिया। इसमें उन्हें रोहित मेहरा नाम के एक लड़के का किरदार निभाया जो कि मानसिक रूप से थोड़ा असमर्थ है। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए किरदार को लेकर उनकी काफी प्रशंसा हुई। फिल्म ने कई पुरस्कार भी जीते। इस फिल्म में ऋतिक के अभिनय को 2010 के फिल्म फेयर मैगजीन ने टॉप 80 आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस में शामिल किया। इसके बाद आई उनकी फिल्म लक्ष्य को जनता ने तो ज्यादा पसंद नहीं किया, लेकिन आलोचकों ने एक बार फिर उन्हें सराहा और एक बार फिर 2010 की फिल्म फेयर मैगजीन ने उनकी इस परफॉर्मेंस को आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस में बताया। इसके बाद आई फिल्म कृष ने उन्हें भारत के बड़े पर्दे पर सबसे पहले सुपर हीरो के तौर पर पहचान दिलाई। इस फिल्म में उनका कॉस्ट्यूम और स्टाइल सब कुछ अलग था। इस फिल्म से वो बच्चों के बीच खासे पॉपुलर हो गए। फिल्म धूम 2 और जोधा अकबर भी सुपर हिट रही। धूम 2 में चोर के किरदार को ऋतिक ने बेहद ही परफेक्शन के साथ निभाया, तो वहीं जोधा अकबर में अकबर के किरदार में ऋतिक ने जान डाल दी। उस वक्त कईयों का ऐसा मानना था कि अकबर के किरदार को जितनी खूबसूरती से ऋतिक ने पर्दे पर उतारा है, शायद ही दूसरा कोई बॉलीवुड अभिनेता पर्दे पर उतार पाता। हालांकि फिल्म को लेकर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन फिल्म ने भारत के साथ साथ विदेशों में भी अच्छा कारोबार किया। उनकी बड़ी फिल्मों में से एक मानी जाने वाली काइट्स की रिलीज को लेकर काफी हाइप हुआ। इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता थी, लेकिन अच्छी ओपनिंग के बावजूद फिल्म भारत में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इसका एक कारण ये भी था कि फिल्म में बोले गए हिंदी इंग्लिश स्पैनिश संवाद भारतीय दर्शकों को कंफ्यूज कर गए। हालांकि विदेशों में इस फिल्म को बेहतर रिस्पांस मिला। फिल्म में उनकी हीरोइन रही बारबरा मोरी से उनके अफेयर की खबरों ने भी खूब चर्चा बटोरी और इससे भी फिल्म का काफी प्रमोशन हुआ। गुजारिश, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अग्निपथ, कृष 3 सभी फिल्मों में अपने अभिनय के जरिए ऋतिक ने सभी का मन मोह लिया। इन फिल्मों के बाद से ही उनकी गिनती 100 करोड़ और 200 करोड़ क्लब वाले अभिनेताओं में होने लगी। उन्हें फिल्म काइट्स, गुजारिश और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के गानों में अपनी आवाज भी दी है। 2011 में ऋतिक ने छोटे पर्दे पर डांस रियलिटी शो जस्ट डांस के जज बनकर आए। ऋतिक की वैक्स की मूर्ति लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में स्थापित है। ऋतिक ने स्वयं का कैजुअल वियर ब्रांड HRX नवंबर 2013 में लॉन्च किया। वहीं अगर हम बात करें टाइगर श्रॉफ के फिल्मी सफर की, तो 23 मई 2014 को हीरो पंती सिनेमा स्क्रीन पर रिलीज हुई और टाइगर श्रॉफ का सुनहरे पर्दे पर लॉन्च हुआ। फिल्म के गीत रिलीज से पहले ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए थे। फिल्म ने भी सफलता के झंडे गाड़े और बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की। फिल्म में टाइगर श्रॉफ के अभिनय के अलावा उनके डांस और एक्शन ने लोगों को दीवाना बना दिया। हालांकि आलोचकों ने उनकी अभिनय प्रतिभा को निखारने की सलाह दी। इसके बाद टाइगर को साइन करने वाले निर्माताओं की लाइन लग गई, लेकिन वो बहुत सावधानी से अपने लिए फिल्मों का चयन कर रहे हैं। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म आई बागी। बागी में उनकी को स्टार बनी श्रद्धा कपूर। इस फिल्म ने टाइगर श्रॉफ को स्टार वैल्यू दिलाई और ये भी साबित किया कि हीरोपंती की सफलता महज तुक्का नहीं थी। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की कमाई $1 बिलियन से ज्यादा की रही। उनके करियर की गाड़ी बॉलीवुड की सड़कों पर सरपट दौड़ रही थी, जिसे उनकी तीसरी फिल्म फ्लाइंग जट ने थोड़ा धीमा किया। रेमो डिसूजा ने उन्हें लेकर सुपर हीरो फिल्म फ्लाइंग जट बनाई। इस फिल्म को वैसी कामयाबी नहीं मिली जैसे टाइगर की पिछली दो फिल्मों को मिली थी। टाइगर श्रॉफ लगातार कुछ ना कुछ नया अपने चाहने वालों को देना चाहते हैं। टाइगर की अगली फिल्म मुन्ना माइकल बस्ती में रहने वाले एक ऐसे लड़के की कहानी जो हॉलीवुड स्टार माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन है। इस फिल्म में उनके साथ निधि अग्रवाल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। उसके बाद रिलीज हुई उनकी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 भी कुछ खास नहीं चल पाई। बचपन से ही टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन को एडमायर करते आए हैं। उनके डांस को लेकर, उनकी एक्टिंग को लेकर, उनके फिजिक को लेकर उनके लिए वो एक रोल मॉडल रहे हैं। और ऐसे में ऋतिक के साथ उनके फिल्म में उन्हें चैलेंज करना टाइगर के लिए एक सपना पूरे होने जैसा है। टाइगर और ऋतिक दोनों ने ही मार्शल आर्ट सीखी हुई है और दोनों को ही बॉलीवुड के बेहतरीन डांसर्स में गिना जाता है। दोनों ही एक्टर्स को उनकी फिल्म्स में जबरदस्त एक्शन करते हुए देखा गया है।
इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं ऋतिक रोशन की फिल्म बैंग बैंग की, तो उसमें देखा जाएगा किस तरह से उन्होंने बारीकी से एक्शन सीक्वेंसेस को किया है, उसमें अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी वो किस तरह से दिखाते हैं और साथ ही अपने चेहरे के साथ भी खेलते हैं। वहीं अगर बात जब आती है टाइगर श्रॉफ की, तो बेशक टाइगर अपनी बॉडी के साथ पूरी तरह से खेलते हैं, लेकिन उनके पास थोड़ी रेस्ट्रिक्शन आ जाती है उनके चेहरे को लेकर, लेकिन बावजूद उसके वो सब चीज़ों को अपनी बॉडी से कवर कर देते हैं और कहीं भी कमी महसूस नहीं होती। और इसी चीज़ का फ़ायदा फिल्म मेकर्स फिल्म वॉर में भी उठाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इंडस्ट्री के दो बेस्ट डांसर्स और मार्शल आर्ट ट्रेन्ड एक्टर्स को साथ लाकर कुछ इस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस को क्रिएट किया है। उनको क्रिएट करने में एक साल का वक्त लिया है, ताकि जब दर्शक फिल्म थिएटर में फिल्म देखने जाएं, तो फिल्म देखकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड होकर आएं और एंटरटेन होकर आएं। इसीलिए एक एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया है आर्कटिक सर्कल में, ऐसी जगह जहाँ आज तक शूटिंग नहीं हुई है, ऐसी जगह जहाँ इंसान की बॉडी जम जाती है। इतना करोड़ों रुपया खर्च कर एक ऐसा शॉट शूट किया गया है, और उसको शूट करने के चक्कर में इस फिल्म ने एक अपने आप में हिस्टोरिक रिकॉर्ड बना दिया है। दुनिया भर से चार बेस्ट कोरियोग्राफर्स को साथ लाकर फिल्म का एक्शन सीक्वेंसेस को कोरियोग्राफ किया गया है, और दो बेहतरीन कलाकारों के जरिए से उनको एग्जीक्यूट किया गया है। तो ये तो कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म से इंडियन सिनेमा को बेस्ट टेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस मिलने वाले हैं और दर्शक फिल्म को खूब इंजॉय करने वाले हैं। देखते हैं कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी क्या धमाल मचाती है 2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर, और कितने रिकॉर्ड्स ये फिल्म तोड़ने वाली है। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन अगर गलती से हमसे कुछ मिस हो गया है, या आपको लगता है आपके पास कोई ऐसा सवाल है जिसके जवाब अभी तक हमने नहीं दिए हैं, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड से जुड़ी और दिलचस्प बातें जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। वॉर फिल्म के एक्शन सीन्स को शूट करने में एक साल क्यों लगा, और इस फिल्म में चार एक्शन डायरेक्टर्स क्यों लेने पड़े? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, फिल्म का नाम ही वॉर है, तो एक्शन तो धुआंधार होना ही है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ अभिनीत इस फिल्म का अभी तो महज टीजर ही रिलीज हुआ है, लेकिन फिल्म का जबरदस्त माहौल बन गया है। पहले दिन के कलेक्शन के अनुमान तक लगने लगे हैं। जी हां, सभी मान रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन फिल्म पहले दिन ही कर सकती है। वेल, ऋतिक रोशन को जिस अंदाज में दर्शक देखना पसंद करते हैं, वही रूप उनका टीजर में नजर आया है, इसलिए भी दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो दूसरी ही ओर टाइगर श्रॉफ भी कम नहीं लग रहे हैं, वो भी उनको दमदार टक्कर देते नजर आ रहे हैं, और देखने से साफ लग रहा है कि फिल्म में एक्शन सीक्वेंस जबरदस्त होने वाला है। लेकिन इन्हें चार एक्शन डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ, दुनिया के शीर्ष एक्शन निर्देशकों में से चार पॉपुलर डायरेक्टर्स। पहला नाम है पॉल जेनिंग्स, जिन्होंने द डार्क नाइट, सैन एंड्रियास, जैक रीचर और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी फिल्मों में एक्शन डायरेक्ट किया है। दूसरा नाम है फ्रांज स्पिहास, जिन्होंने सेफ हाउस, आई इन द स्काई, डेथ रेस जैसी फिल्मों में एक्शन डायरेक्ट किया है। तीसरा नाम है सी यंगोव, जिन्होंने एज ऑफ अल्ट्रॉन में एक्शन डायरेक्ट किया है। और चौथा नाम है परवेज शेख, जिन्होंने टाइगर जिंदा है, केसरी और मैरी कॉम जैसी फिल्मों में एक्शन डिजाइन किया है। दोस्तों, कहने वाले कह रहे हैं कि ऐसा एक्शन स्टंट हिंदी सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया। वेल, ऋतिक को लेकर बैंग बैंग बनाने वाले सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि एक्शन सीक्वेंस को डिजाइन करने में ही एक साल लग गया, और ये बहुत ही मुश्किल काम था।
वेल, आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, जिसमें हमें वाणी कपूर भी नजर आने वाली हैं। तो आप इस फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। वॉर की शूटिंग पुर्तगाल में क्यों की जा रही है? वॉर फास्ट एंड फ्यूरियस से भी बड़ी फिल्म कैसे है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड एक्शन फिल्म वॉर का टीजर लॉन्च हो चुका है और टीजर दर्शकों को बेहद पसंद भी आ रहा है, जिसकी वजह से फैंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। लेकिन आपको बता दें कि अब इस फिल्म को लेकर चौंका देने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, बॉलीवुड के एक्शन स्टार ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के कुछ खतरनाक बाइक स्टंट पुर्तगाल की सबसे ऊंची चोटी सेरा द एस्ट्रेला पर शूट किए हैं। इनफैक्ट एक चेस सीन को शूट करने के लिए टाइगर और ऋतिक को सेरा द एस्ट्रेला पे हाई स्पीड में सुपर बाइक चलानी पड़ी। इस बात का खुलासा फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने किया है। इसी के साथ सिद्धार्थ आनंद ने बताया कि हॉलीवुड की बड़ी एक्शन फिल्मों की तरह ही इस फिल्म में कई ऐसे चौंका देने वाले सीन हैं। वेल, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन ने इन सुपर फास्ट बाइक को चलाने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग ली और उन्होंने फिल्म के ये सीन एक्सपर्ट्स की देखरेख में भी किए हैं। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप इनकी कॉपी करने की मत सोचिएगा। वेल, इसी के साथ आपको बता दें कि पुर्तगाल में स्थित सेरा द एस्ट्रेला सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से करीब 1993 मीटर यानी कि 6539 फुट की ऊंचाई पर है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के अलावा वाणी कपूर भी नजर आएंगी, जो फिल्म के टीजर में भी नजर आई थी और बेहद खूबसूरत भी लग रही थी। तो वहीं ये फिल्म गांधी जयंती के मौके पर यानी 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। फिल्म में इंटरनेशनल लेवल का एक्शन देखने को मिलने वाला है। वेल, टाइगर और ऋतिक रोशन की जोड़ी को एक साथ एक्शन करते देखना वाकई कमाल होगा और इसीलिए फैंस इतना एक्साइटमेंट के साथ इस फिल्म का इंतजार भी कर रहे हैं। तो फिल्म के टीजर के कई सीन्स में भी टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म में भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो आप कितनी बेसब्री से वॉर फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मूवी में एक्शन किस लेवल का होगा? क्या ये फिल्म हॉलीवुड को टक्कर देगी? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर का नया पोस्टर रिलीज हो चुका है। ये पोस्टर एक्शन से लवरेज है, जहां पर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ बंदूक तान कर खड़े हुए हैं। वहीं दोनों के बीच वाणी कपूर और अपने ग्लैमरस अंदाज में दिखाई दे रही हैं। जिस तरह फिल्म अपने एक्शन को लेकर चर्चा में है, उस बीच ये पोस्टर फैंस के लिए किसी बड़े ट्विस्ट से कम नहीं है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। पहली बार ऋतिक रोशन और टाइगर एक दूसरे के सामने एक्शन करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि फिल्म केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु में भी रिलीज होगी। इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार हिंदी फिल्म में इस तरह का एक्शन और तकनीक का इस्तेमाल होगा। इस पोस्टर में येलो और ब्लैक रंग की गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, जिसे देखकर लगता है कि टाइगर फिल्म में ऋतिक का पीछा करते देखेंगे। एक्शन के साथ डांस का मुकाबला और वेबसाइट की रिपोर्ट्स के अनुसार ऋतिक और टाइगर के इसी डांस की खूबी को फिल्म में इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों के बीच वॉर फिल्म में डांस का मुकाबला देखने को मिलेगा। अगस्त के तीसरे वीक में शूटिंग। ऋतिक रोशन ने इस बारे में कहा है कि अभी इस डांस सीक्वेंस को शूट नहीं किया गया है। द
दबाव डालने के लिए शुक्रिया। हम इसे अगस्त के 30 हफ्ते में शूट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे शक्तिशाली मशीन गन। बता दें कि टाइगर इस फिल्म में दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन गन में से एक गैटलिंग को चलाते नजर आएंगे, जिसके लिए टाइगर ने ट्रेनिंग भी ली है। स्पेशल तौर पर होगी ट्रेनिंग। बता दें कि टाइगर के लिए स्पेशल तौर पर एक्शन सीन्स को कोरियोग्राफ किया गया है। ये ऐसा सीन होगा जहां पर टाइगर इस मशीन गन के साथ शहर को तहस नहस करते हुए नजर आएंगे। टाइगर ने अपने ट्विटर पेज पर इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा है कि इस वॉर का सिर्फ एक ही विजेता होगा, ऋतिक सब खोने के लिए तैयार हो जाओ। तो दोस्तों, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इंडिया के सबसे अच्छे बेस्ट डांसर और बेस्ट एक्शन सीन देने वाले दोनों सुपरस्टार जब एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे तो क्या बड़ा धमाल होने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और नई नई जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। वॉर बन पाएगी 1000 करोड़ी फिल्म। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड फिल्म वॉर इस साल रिलीज होने वाली है। अभी हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है और टीजर देखकर ये लगता है कि इस साल बॉक्स ऑफिस के काफी सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं ऋतिक और टाइगर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों वॉर फिल्म 1000 करोड़ रुपए कमाने की काबिलियत रखती है। ऋतिक यानी कि ग्रीक गॉड बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और उनके लुक्स और डांस के दीवाने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। वहीं अगर हम टाइगर की बात करें तो टाइगर के डांस मूव से भी सभी वाकिफ हैं। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं और इस फिल्म में हमें बहुत ही बढ़िया डांस सीक्वेंसेस देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि फिल्म में ऋतिक टाइगर के गुरु का किरदार निभाने वाले हैं और वही उनको डांस करना सिखाएंगे, लेकिन फिल्म में आगे चलकर कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी कि दोनों गुरु और शिष्य एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे और वहां हमें देखने को मिलेगी एक जबरदस्त डांस बैटल। यानी कि इस फिल्म से इस तरह का एक डांस सीक्वेंस देखने को मिलेगा जिसकी तारीफ सालों तक होने वाली है। वहीं डांस के साथ साथ फिल्म में एक्शन का भी भरपूर मसाला है। इस फिल्म के लिए 4 स्टंट डायरेक्टर्स को हायर किया गया है और ये कोई छोटे मोटे डायरेक्टर्स नहीं है। इन डायरेक्टर्स का नाम दुनिया भर में रोशन है। तो चलिए इन डायरेक्टर्स के नाम और उनके फेमस काम के ऊपर भी थोड़ी सी निगाह मार लेते हैं। नंबर 1, पॉल जेनिंग्स वो स्टंट डायरेक्टर हैं जिन्होंने द डार्क नाइट, गेम ऑफ थ्रोन्स और सैंड एंड्रीज जैसी फिल्मों के लिए एक्शन सीक्वेंसेस को डायरेक्ट किया है। जहां डीसी कॉमिक वर्ल्ड के दीवाने डार्क नाइट को डीसी की बेस्ट फिल्म मानते हैं, वहीं गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस भी दुनिया भर में फैले हुए हैं। नंबर 2, फ्रांस स्पिलहॉज वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने सेफ हाउस, आई इन द स्काई और डेथ रेस जैसी फिल्मों के लिए एक्शन सीक्वेंसेस को डायरेक्ट किया है। दोस्तों, इन सभी फिल्मों के एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि सभी जानते हैं कि किस तरह के गजब के शॉट्स, गजब के एक्शन सीक्वेंसेस फ्रांस ने इस फिल्म के लिए डायरेक्ट किए हैं। वहीं इस फिल्म के लिए कोरिया के मशहूर मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और स्टंट डायरेक्टर सी यंग ओ को भी हायर किया गया है जिन्होंने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, पोकेमोन एक्स वाई जैसी फिल्मों के लिए एक्शन सीक्वेंसेस को डायरेक्ट किया है। एज ऑफ अल्ट्रॉन के बारे में सभी जानते हैं, एवेंजर्स के फैंस तो दुनिया भर में मौजूद हैं और इस बात का सबूत है कि अभी एवेंजर्स एंड गेम दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। तो सभी जानते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम में भी कितनी बेहतरीन तरीके से स्टंट्स को कोरियोग्राफ किया गया था। वहीं चौथे डायरेक्टर का नाम है परवेज शेख जो कि टाइगर जिंदा है, जंगली, केसरी और मैरी कॉम जैसी फिल्मों में अपना जादू दिखा चुके हैं।
दोस्तों ये चारों वो डायरेक्टर्स हैं जिनके काम की दुनिया भर में तारीफ हो चुकी है और सब इनके काम से वाकिफ हैं। अब इस एक फिल्म के लिए इन चारों डाइवर्सिफाइड डायरेक्टर्स को इकट्ठा किया गया है सिर्फ एक फिल्म पर काम करने के लिए। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का गजब एक्शन सीक्वेंस हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा। वहीं ओवर द टॉप एक और खबर सामने आई है कि ये पहली ऐसी फिल्म होने वाली है सिनेमा की हिस्ट्री में जिसकी शूटिंग आर्कटिक सर्कल पर की गई है। वहां जहां इंसान जम जाए सर्दी से, ऐसी जगह पर एक्शन के सीक्वेंसेस को शूट किया गया है और वो भी इतने खतरनाक है कि इंसान अपने डर की वजह से नेल्स तक चबाने लग जाए। मतलब इस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस को आर्कटिक सर्कल में जाकर शूट किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि हिस्ट्री ये फिल्म पहले ही बना चुकी है ये सीन शूट कर। इसके अलावा बात की जाए तो ऋतिक के चार्म से तो सभी वाकिफ हैं। ऋतिक बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और दुनिया भर में लोग उनको चाहते हैं, उनके काम की तारीफ की जाती है। वहीं हाल ही में उनकी फिल्म सुपर 30 रिलीज हुई है जिसको हर तरफ से प्यार मिल रहा है। इनफैक्ट इतनी सारी स्टेट्स में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। तो ऑलरेडी ऋतिक का जादू चल रहा है और इसी बीच वॉर का टीजर भी आ चुका है। तो यानी एकदम से उनका जो कैरेक्टर चेंज हुआ है, कहां सुपर 30 में एक भोले भाले से टीचर का रोल है, वहीं वॉर में जाकर वो एक्शन सीक्वेंसेस करते हुए नजर आने वाले हैं। तो यानी कि एकदम डाइवर्सिफाइड एक्टर तो पहले से हैं ही ऋतिक, और इस फिल्म में उनके डांस के साथ साथ उनको एक्शन करते हुए भी देखने को मिलेगा। तो यानी ऋतिक का चार्म, ऋतिक का जो एक इफेक्ट है दर्शकों के ऊपर, वो पूरी तरह से इस फिल्म से पड़ने वाला है। बात करें टाइगर श्रॉफ की तो टाइगर श्रॉफ भी अपने, बेशक वो चेहरे का इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन अपनी बॉडी का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि चेहरे का वो कहीं ना कहीं उसकी कमी को पूरा कर ही देता है। अपने डांस वो इस तरह का करते हैं कि लोग उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वहीं बागी जैसी फिल्मों में उनके एक्शन का तोड़फोड़ अंदाज भी दर्शकों को नजर आ चुका है। दोस्तों इस फिल्म से सिद्धार्थ और ऋतिक की जोड़ी एक बार फिर से स्क्रीन पर साथ काम करने वाली है। सिद्धार्थ वही डायरेक्टर हैं जिनके साथ मिलकर ऋतिक ने बैंग बैंग बनाई थी। बैंग बैंग जो कि 80 करोड़ के बजट से बनी थी और इस फिल्म ने 340 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और आज भी दर्शक इस फिल्म को उतना ही पसंद करते हैं जितना तब पसंद किया गया था जब फिल्म रिलीज हुई थी। तो यानी कि एक बार फिर से जब ये जोड़ी एक फिल्म पर साथ काम कर रही है तो बेशक दर्शकों का उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखना कोई गलत बात नहीं है। इन सब चीजों के अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फिल्म की रिलीज डेट। फिल्म रिलीज हो रही है 2 अक्टूबर, यानी कि गांधी जयंती वाले दिन, जिस दिन नेशनल हॉलीडे होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस चीज का बेनिफिट फिल्म को बहुत ज्यादा मिलने वाला है और फर्स्ट डे तो बेशक ये फिल्म काफी रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। तो दोस्तों इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नतीजा यही निकलता है कि ये फिल्म इस काबिल है कि 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर सके। यानी कि इस साल की सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म ऑन द वे है और हमें बस सब्र करना है 2 अक्टूबर तक का। अब देखना यह है कि ऋतिक और टाइगर की जोड़ी क्या धमाल मचाती है बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है और अगर गलती से हमसे कुछ मिस हो गया है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं हूं सानिया सैफी, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर में 4 एक्शन डायरेक्टर्स क्यों शामिल हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर अपनी पहली झलक के साथ ही सुर्खियों में है। फिल्म एक्शन के मामले में कितनी ताबड़तोड़ होने वाली है इसकी झलक हमने टीजर में देख ही ली है। आपको बता दें कि इस फिल्म के एक्शन सीन्स को 4 एक्शन कोरियोग्राफर्स मिलकर डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसमें से 3 एक्शन डायरेक्टर हॉलीवुड से हैं जबकि 1 बॉलीवुड के स्टंट स्पेशलिस्ट हैं। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म में इनके साथ वाणी कपूर नजर आने वाली हैं। फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज होगी और उसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म भी बताया जा रहा है। इस फिल्म की शूटिंग स्पेन, जॉर्जिया, इटली, पुर्तगाल और स्वीडन में हो रही है। इस फिल्म के एक्शन सीन्स को हॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर पॉल जेनिंग्स
हैंक्स ने तैयार किया है, जबकि उनके साथ हॉलीवुड के दो और मशहूर एक्शन डायरेक्टर फ्रांच स्पिलहॉस और सियोंग्स ओ साथ आए हैं। साथ ही बॉलीवुड के एक्शन सीन स्पेशलिस्ट परवेज शेख भी टीम में शामिल हैं। इस फिल्म पर बात करते हुए निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने कहा, हमारे पास टाइगर और ऋतिक जैसे एक्शन हीरो हैं, तो हम दर्शकों को रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन सीन्स का अनुभव देना चाहते हैं। इसी टास्क को ध्यान में रखते हुए हमने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से मशहूर एक्शन डायरेक्टर्स को हायर किया है। इन्होंने शानदार एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ किए हैं जो हम इस फिल्म में भी दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, फिल्म का एक बड़ा एक्शन सीक्वेंस फिनलैंड में भी शूट किया गया है। ये दुनिया की पहली ऐसी फिल्म होने वाली है जिसके एक्शन सीन्स की शूटिंग उत्तरी ध्रुव में इस स्तर की गई है। सिद्धार्थ आनंद ने ये भी बताया कि ये एक्शन सीन काफी जोखिम भरा था, लेकिन बहुत शानदार भी है, जिसे फैंस देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फाइटर फिल्म किस जॉनर की फिल्म है? क्या ये जोड़ी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की तरह सुपरहिट हो पाएगी? और फिल्म का टीजर कब आ रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की एक्शन ड्रामा फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के निर्माताओं ने अभी तक इस फिल्म के टाइटल की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि यशराज बैनर ने टाइगर और ऋतिक की इस फिल्म का नाम फाइनल कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म का नाम फाइटर्स डिसाइड किया गया है। इसके साथ साथ यशराज बैनर ने फिल्म का फर्स्ट लुक भी फाइनल कर लिया है। फर्स्ट लुक में टाइगर और ऋतिक दोनों ही नजर आएंगे। जैसा कि फिल्म का नाम फाइटर्स है, वैसे ही दोनों का अवतार रहेगा। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही फिल्म में वाणी कपूर लीड रोल में नजर आने वाली हैं। खबर है कि ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमा घरों में दस्तक दे सकती है और इस फिल्म का टीजर 2020 में रिलीज किया जा सकता है। ऋतिक और टाइगर की ये फिल्म डांस और एक्शन पर आधारित है। फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। टाइगर श्रॉफ ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि यशराज की फिल्म में वो ऋतिक रोशन के शागिर्द का किरदार निभाते दिखेंगे और दोनों में एक डांस कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। इस डांस कंपटीशन के लिए बहुत बड़े स्तर पर शूट किया जाएगा और ये पहली बार है जब टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन एक साथ नजर आने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही बॉलीवुड के बेहतरीन डांसर्स हैं, तो ऐसे में इनकी जुगलबंदी देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, आप कितना एक्साइटेड हो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के डांस कंपटीशन को देखने के लिए? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल है या बॉलीवुड से जुड़ी किसी भी जानकारी से आप रूबरू होना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। तैयारी में है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ और कब आएगा फाइटर्स का ट्रेलर? हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूं सानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म फाइटर्स को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। और आखिर हो भी क्यों ना कि इंडस्ट्री के दो बेहतरीन डांसर्स एक साथ कोलैब कर रहे हैं और इस फिल्म में हमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस और डांस मूव्स देखने को मिलेंगे। इस फिल्म में ऋतिक रोशन टाइगर के गुरु का रोल करने वाले हैं और उन्हें वो डांस सिखाते हुए नजर आएंगे। वहीं कुछ ऐसा हो जाएगा कि इनकी जोड़ी अलग हो जाएगी और एंड में एक फेस ऑफ देखने को मिलेगा जहां ऋतिक और टाइगर एक दूसरे से डांस बैटल करेंगे और अपने अपने डांस का टैलेंट दिखाते हुए
हुए नजर आएंगे। इस फिल्म में हमें बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इस बात से सभी वाकिफ हैं कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को उनकी एक्शन सीक्वेंसेस के लिए भी जाना जाता है। तो ऑल इन ऑल इस फिल्म में हमें एक्शन और डांस का बेहतरीन तड़का मिलने वाला है, और इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब स्क्रीन पर एक साथ गुरु और शिष्य और इंस्पिरेशन और उनके फॉलोअर नजर आएंगे एक साथ बैटल करते हुए, तो क्या धमाल मचेगा बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जिनकी पिछली फिल्म बैंग बैंग में भी लीड रोल में हमें नजर आए थे ऋतिक रोशन। वहीं यशराज फिल्म्स के साथ टाइगर श्रॉफ की ये पहली फिल्म है, तो इस फिल्म से इसीलिए काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं, और अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो जाएगा। ये फिल्म आ रही है 2 अक्टूबर 2019 यानी कि गांधी जयंती पर, यानी छुट्टी का दिन होगा, और स्क्रीन पर लड़ रहे होंगे टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन। तो ये कहा जा सकता है कि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तो टूटने वाले हैं। तो देखते हैं क्या कमाल करती है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों, इनसे जुड़ी हुई और दिलचस्प बातें जानने के लिए जुड़ रही है बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म का नाम क्या है, और इस फिल्म में कौन कौन विदेशी चेहरे होंगे? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस नई अपडेट में। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म अपने घोषणा के साथ ही सुर्खियों में है। यशराज बैनर तले ये फिल्म धमाकेदार एक्शन की होगी, और ताजा रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का टाइटल होगा फाइटर्स। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऋतिक और टाइगर के साथ इस फिल्म में वाणी कपूर भी नजर आएंगी। ये फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज होगी। कोई शक नहीं है कि फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आखिर एक ही फिल्म में टाइगर और ऋतिक को देखना कौन नहीं चाहता। दोनों सितारे एक्शन सीन्स में माहिर हैं, और यहाँ तक कि डांस में, और उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है। बता दें, खुद टाइगर भी ऋतिक को अपना गुरु मानते हैं। खबरों के अनुसार फिल्म का पहला पोस्टर भी तैयार हो चुका है, और जल्द ही फर्स्ट लुक सामने आने वाला है। पोस्टर में दोनों ही एक्टर फाइटर लुक में नजर आएंगे, जैसा कि फिल्म का नाम है। बताया जा रहा है कि फिल्म में एक्शन सीन्स अलग ही स्तर के होने वाले हैं। ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म साबित हो सकती है। साथ ही ऋतिक टाइगर के बीच डांस की जुगलबंदी भी होगी। एंडी आर्मस्ट्रांग और मिस्टर ओ फिल्म के एक्शन सीन्स डिजाइन करेंगे। इनमें से एक हॉलीवुड के तो दूसरे दक्षिण कोरिया के हैं, जो मार्शल आर्ट में माहिर हैं। फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने इस बात का खुलासा किया है कि इस फिल्म की शूटिंग स्पेन, जॉर्जिया, इटली, पुर्तगाल और स्वीडन में हो रही है। वहीं कुछ हिस्सा फिल्म का भारत में भी फिल्माया जाएगा। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ। निर्देशक का कहना है कि इस फिल्म में हिंदी सिनेमा के बेस्ट एक्शन स्टार्स माने जाने वाले दो स्टार्स मौजूद हैं, इसीलिए दोनों के साथ उसी स्तर के एक्शन शूट करने की योजना है। फैंस को इस मामले में कोई निराशा नहीं होगी। यशराज कैंप एक्शन के मामले में इस फिल्म को काफी ऊंचा ले जाने वाला है। फिल्म का बजट भी भारी भरकम होने वाला है। जाहिर है एक्शन फिल्मों के फैंस को इस फिल्म से काफी कुछ मिलने वाला है। ऋतिक टाइगर और वाणी कपूर स्टारर ये फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जबकि इसके प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा। ये बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्शन फिल्मों में शामिल होने वाली है। फिल्म के लोकेशन और एक्शन कोरियोग्राफी पर काफी खर्चा किया जाना है। इस फिल्म के साथ ऋतिक 12 सालों के बाद यशराज कैंप से जुड़े हैं। इससे पहले ऋतिक ने यशराज बैनर तले फिल्म धूम 2 की थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एक ही फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ एक साथ होंगे, तो क्या ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी एक्शन और डांस फिल्म बन पाएगी? क्योंकि दोनों ही स्टार्स अपने अपने एक्शन सीन्स के लिए जाने जाते हैं, और उससे भी ज्यादा अपने डांस फॉर्म के लिए। तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म साबित हो पाएगी? आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन।
बागी 3 के फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए साजिद नाडियाडवाला ने क्या कहा और बागी 3 का विलन कौन होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ अपनी हिट सीरीज बागी के पहले और दूसरे पार्ट की सफलता के बाद अब इस फिल्म का तीसरा भाग यानी कि बागी 3 लेकर आ रहे हैं। टाइगर श्रॉफ ने आज बागी 3 की घोषणा करते हुए बताया कि वो जल्द ही अपनी इस एक्शन ड्रामा फिल्म का तीसरा भाग लेकर आ रहे हैं दर्शकों के सामने। उन्होंने इस बात की घोषणा अपने इंस्टाग्राम के जरिए की। आपको बता दें कि फिल्म के निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने बागी 3 के नए पोस्टर के साथ रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है। जी हाँ, ये फिल्म 6 मार्च 2020 को रिलीज हो रही है जिसका निर्देशन अहमद खान करने वाले हैं। इसी के साथ उन्होंने अहमद खान समेत इस फिल्म की टीम को भी टैग किया। इस फिल्म का पोस्टर देखकर ये कहा जा सकता है कि ये काफी धमाकेदार फिल्म होने वाली है। दोस्तों, बागी 3 को एक्शन के मामले में पहली दोनों फिल्मों से ही ऊपर रखा जाएगा। इसके लिए टाइगर स्पेशल ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि बागी के पहले पार्ट में टाइगर के साथ श्रद्धा कपूर नजर आई थी, तो वहीं फिल्म के दूसरे पार्ट बागी 2 में टाइगर श्रॉफ के साथ दिशा पाटनी नजर आई। तो ये दोनों ही फिल्मों की सफलता के बाद अब इस फिल्म के तीसरे पार्ट में टाइगर श्रॉफ फिर से श्रद्धा कपूर के साथ रोमांस करते दिखने वाले हैं। वेल, आपको बता दें कि इस फिल्म में अब रितेश देशमुख का नाम भी जुड़ चुका है। जी हाँ, फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर इस फिल्म को लेकर जानकारी देते हुए शेयर किया है, रितेश देशमुख बागी 3 से जुड़ गए हैं। फिल्म में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर भी हैं और फिल्म का निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं। वेल, आपको बता दें कि बागी 3 रितेश देशमुख और निर्माता साजिद नाडियाडवाला की साथ में छठवी फिल्म है। वेल, वहीं खबरों की माने तो इस फिल्म में एक्टर रितेश देशमुख अहम किरदार में नजर आएंगे। वहीं खबर ये भी है कि वो फिल्म में विलन का किरदार निभा सकते हैं। वेल, इससे पहले रितेश देशमुख ने एक विलन फिल्म में खलनायक के किरदार को निभाया था और उनकी भूमिका को काफी ज्यादा सराहा भी गया था। वेल, अहमद खान के निर्देशन में बन रही बागी 3 की शूटिंग 4 देशों में होने वाली है। तो वहीं टाइगर की बात करें तो वो भी इस फिल्म को लेकर काफी तैयारियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि रितेश देशमुख ने हाल ही में मिलाप जावेरी की मरजावा की शूटिंग खत्म की है। इस फिल्म में वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ नजर आने वाले हैं। वेल, दोनों ने साथ में 2014 में आई एक्शन थ्रिलर एक विलन में काम किया था और इसी के साथ बागी 3 के जरिए वो अपनी दूसरी को स्टार श्रद्धा कपूर के साथ दिखने वाले हैं। तो आप कितना एक्साइटेड हैं बागी 3 को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। बागी 3 एक 1000 करोड़ी फिल्म क्यों है? बागी 3 में सुंदर दिखने के लिए श्रद्धा कपूर ने क्या किया? श्रद्धा जैसी बेदाग त्वचा पाने के लिए वो 5 तरीके कौन से हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, श्रद्धा कपूर एक बार फिर टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म बागी 3 में नजर आएंगी। ये बागी सीरीज की तीसरी फिल्म होगी। इस फिल्म में श्रद्धा के रोल को लेकर खुलासा हुआ है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसमें ये एक्ट्रेस एयर होस्टेज का किरदार निभाती नजर आएंगी और इसके लिए वो खास तैयारी भी कर रही हैं। श्रद्धा कपूर एयर होस्टेज के किरदार में पहली बार किसी फिल्म में नजर आएंगी। जानकारी के मुताबिक उनके इस रोल के लिए बागी 3 की पूरी टीम उनके लुक पर काम कर रही है। इसके लिए ये एक्ट्रेस वर्कशॉप भी ले रही है। मुंबई मिरर की रिपोर्ट्स की माने तो ये एक्ट्रेस सितंबर से मुंबई में इसकी शूटिंग शुरू करेगी। इसके बाद फिल्म की टीम आगरा और फिर जॉर्जियो में इसकी शूटिंग करेगी। तो वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ भी इसराइल जाकर स्पेशल ट्रेनिंग लेंगे। अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये एक्टर शॉटगन मशीन और पिस्टल चलाना सीखेंगे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इसमें एक बार फिर जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा फिल्म में श्रद्धा कपूर के एक्शन स्टंट देखने को मिलेंगे जिसके लिए एक्ट्रेस जल्द ही ट्रेनिंग लेगी।
गौरतलब हो कि इसके पहले पार्ट में इन दोनों की जोड़ी देखने को मिली थी, तो वहीं बागी 2 में दिशा पाटनी नजर आई थी। ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। आपको बता दें कि इस फिल्म के अलावा ये एक्ट्रेस फिल्म साहो में प्रभास के साथ नजर आएंगी। ये फिल्म भी एक एक्शन ड्रामा है। इसके अलावा ये वरुण धवन के साथ स्ट्रीट डांसर 3D और सुशांत सिंह राजपूत संग फिल्म छिछोरे में नजर आएंगी। दोस्तों, अगर आपको भी श्रद्धा कपूर जैसी बेदाग त्वचा चाहिए तो ये 5 तरीकों का जरूर इस्तेमाल करें। मुल्तानी मिट्टी सालों से खूबसूरत त्वचा के लिए इस्तेमाल होती आई है। इसमें मौजूद मिनरल और कई तत्व त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। ये आपको ऑयली स्किन की परेशानी से राहत दिलाने का अचूक उपाय है। इसके इस्तेमाल से आप अपनी कई स्किन से जुड़ी परेशानियों को खत्म कर श्रद्धा कपूर जैसी बेदाग त्वचा और खूबसूरती पा सकती हैं। मुल्तानी मिट्टी के फायदों के आगे आपकी महंगी से महंगी क्रीम फेल हो जाएगी। जी हाँ, आप भी जानिए इसके फायदों के बारे में। अगर आपको पिंपल की परेशानी है तो इसके लिए 1 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 2 बड़े चम्मच गुलाब जल और 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जल मिलाकर प्रभावित हिस्सों पर लगाएं। इसे 10 मिनट तक रखें और फिर ठंडे पानी से धो लें। कुछ दिनों तक हर रोज इसका इस्तेमाल करें। वहीं टैनिंग के लिए 1 छोटे चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 2 बड़े चम्मच टमाटर या नींबू का रस मिलाएं। इस पेस्ट को पूरे टैनिंग वाले हिस्सों पर अच्छी तरह लगाएं। सूखने पर इसे ठंडे पानी से धो लें। जब तक राहत न मिले हर दूसरे दिन इसका इस्तेमाल करें। चेहरे पर ग्लो लाने के लिए 1 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 2 बड़े चम्मच दूध और 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। इसे एक समान तरीके से चेहरे और गर्दन पर लगाएं। सूखने पर इसे ठंडे पानी से धो लें और इसका भी हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स खत्म करने के लिए आप मुल्तानी मिट्टी से अपना खुद का स्क्रब बना सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए 1 छोटे चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1 बादाम बारीक कूटकर मिलाएं। अब इसमें करीब 2 बड़े चम्मच गुलाब जल मिला लें। इसे चेहरे पर लगाकर 5 मिनट तक स्क्रब करें। हफ्ते में 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं डार्क सर्कल्स, जिसकी परेशानी आजकल हर किसी को होती है, तो दोस्तों डार्क सर्कल के लिए आप 1 बड़े चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 2 बड़े चम्मच दूध मिलाएं। मोटा सा पेस्ट तैयार करें। आंखों को बचाते हुए इसे डार्क सर्कल वाले हिस्सों पर अच्छी तरह से लगाएं। सूखने पर इसे भी ठंडे पानी से धो लें। हफ्ते में आप इसका 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके डार्क सर्कल्स की परेशानी चुटकियों में दूर हो जाएगी और आप भी बहुत ही खूबसूरत नजर आएंगे। तो दोस्तों, वैसे आप बागी 3 को लेकर कितना एक्साइटेड हैं ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। बागी 3 में अक्षय कुमार को क्यों साइन किया जा रहा है? क्या बागी 3 एक रोमकॉम फिल्म होगी या फिर एक्शन थ्रिलर फिल्म? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बागी और बागी 2 के बाद इस सीरीज से लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। टाइगर श्रॉफ ने इन दोनों फिल्मों में जबरदस्त एक्शन दिखाया, जो एक्शन फिल्मों के शौकीनों को बहुत अच्छा लगा। बागी 3 को बनाने की बात बागी 2 के रिलीज होने के पहले ही कर दी गई थी। बागी 2 रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसे मल्टीप्लेक्स के साथ साथ सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर के दर्शकों ने भी बहुत पसंद किया। बागी 3 को अब भव्य पैमाने पर बनाया जाएगा और इसमें टाइगर के साथ बॉलीवुड का एक और बड़ा स्टार नजर आएगा। सूत्रों के मुताबिक फिल्म में अक्षय कुमार को भी जोड़ा जा रहा है। अक्षय कुमार लंबे समय से एक्शन फिल्म करना चाहते हैं और बागी 3 उन्हें वो मौका देने जा रही है। एक्शन में अक्षय कुमार भी माहिर है और इसीलिए उन्हें खिलाड़ी कुमार भी कहा जाता है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी गजब ढा सकती है। यदि अक्षय ये फिल्म करने के लिए मान जाते हैं तो ये बागी के फैंस के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बागी 2 में एक्शन का ऐसा डोज मिला जिससे कि दर्शक दंग रह गए थे। और जब खिलाड़ी कुमार और टाइगर श्रॉफ एक साथ एक फिल्म में एक्शन करते नजर आएंगे तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। वेल, अब बागी 3 में लेवल को और ऊंचा किया जाएगा। टाइगर श्रॉफ ऐसा एक्शन दिखाएंगे जो हिंदी फिल्मों में अब तक नहीं देखा गया है।
अक्षय कुमार को भी विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन समस्या ये है कि निर्माता को अक्षय कुमार की ज्यादा डेट्स चाहिए और अक्षय कुमार हैं जो ज्यादा डेट्स देने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि साल में उन्हें 3 से 4 फिल्में करनी होती हैं। तो बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार को मनाने की कोशिश काफी ज्यादा की जा रही है। वेल दोस्तों, हमारे जिंदगी में एक समस्या है जो हमें आए दिन देखने को मिलती रहती है, यानी कि कब्ज। पेट का साफ ना होना या कहने की सोच ठीक तरह से ना हो पाना, ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ा होगा। कब्ज, जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है, होने पर कई दिनों तक लगातार पेट साफ नहीं रहता। इस वजह से पूरा दिन बहुत असहज और भारीपन महसूस होता है। बिना कुछ खाए या भूख लगने पर भी ऐसा महसूस होता है मानो आपका पेट भरा हुआ हो। दोस्तों, कब्ज होने के कारण में गलत खान पान, ठीक समय पर सोच न जाना, व्यायाम न करना और शारीरिक काम न होना शामिल है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप चोकर समेत आटे की रोटी खाएं और मीठा दूध पिएं। शक्कर, गुड़ भी पेट साफ रखते हैं, इसीलिए खाने के बाद इसका सेवन करें। सब्जियों में पत्ती समेत मूली, काली तोरई, घिया, बैंगन, गाजर, परवल, पपीता, टमाटर आदि खाएं। दालों का सेवन छिलके समेत ही करें। अगर दवा की जरूरत हो तो थोड़ा सा खाने का सोडा पानी में घोलकर पी जाएं तो पेट हल्का रहेगा और सोच भी। इमली में गुड़ डालकर मीठी चटनी बनाएं और इसका सेवन करें, इससे पेट साफ रहेगा। भोजन के साथ सलाद में नमक डले टमाटर जरूर ले, नमक भी पेट साफ रखता है। कभी कभी थोड़ा सा पंचसकार चूर्ण भी ले ले। भोजन के बाद सौंफ मिश्री चबाने से भी पेट ठीक रहता है। और अगर अधिक कब्ज हो गया है तो इसमें त्रिफला, अभ्यारिष्ट बहुत अच्छे विकल्प हैं। इनसे पेट तुरंत ही हल्का हो जाता है। रात को सोने से पहले गुनगुना दूध पीकर सोएं। अमरूद, पका हुआ केला, बेर, परवल, बैंगन, पपीता, अंगूर, अंजीर, आलू बुखारा, मुनक्खा, आड़ू, उन्नाब आदि का सेवन करें तो हमेशा कब्ज दूर रहेगा। वेल दोस्तों, अगर आपको इस चीज़ की समस्या रहती है तो आप इन उपयोगों को कर सकते हैं। वेल, बागी 3 को लेकर कितना एक्साइटेड हैं और ये न्यूज़ सुनने के बाद कि अक्षय कुमार भी इस फिल्म में एक्शन करते नजर आने वाले हैं, आप लोगों की एक्साइटमेंट कितना बढ़ी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़। बागी 3 के लिए क्या कर रहे हैं टाइगर श्रॉफ? क्या टाइगर श्रॉफ को सुपरस्टार कहा जा सकता है? टाइगर श्रॉफ की पहली कौन सी फिल्म थी जो 100 करोड़ी फिल्म बनी? क्या अभी की जेनरेशन के लिए टाइगर श्रॉफ बेस्ट एक्शन हीरो हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ इस वक्त बॉलीवुड के बेस्ट एक्शन हीरो में से एक है। एक तरफ वो ऋतिक रोशन के साथ वॉर की शूटिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपनी फिल्म बागी 3 की जमकर तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने एक वर्कआउट वीडियो भी शेयर किया जहां वो बागी 3 की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि बागी टाइगर श्रॉफ की हिट सीरीज है। फिल्म के पहले भाग ने जहां बॉक्स ऑफिस पर लगभग 78 करोड़ की कमाई की थी तो वहीं फिल्म के दूसरे भाग ने 25 करोड़ की ओपनिंग करके दर्शकों को चौंका दिया था। बागी में टाइगर श्रॉफ श्रद्धा कपूर के ऑपोजिट नजर आए थे, वहीं बागी 2 में उनका साथ दिशा पाटनी ने दिया था। वेल, अब बागी 3 की तैयारी चल रही है और इस सीरीज में श्रद्धा कपूर की वापसी भी हो चुकी है। वहीं फिल्मों की बात की जाए तो टाइगर श्रॉफ इन दिनों बागी 3 और वॉर में व्यस्त है। वेल, टाइगर श्रॉफ ने अपने छोटे से करियर में स्टारडम की सीढ़ी कितनी तेजी से चढ़ी है एक नजर डालते हैं। फिल्म हीरोपंती से टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही टाइगर श्रॉफ के स्टंट्स और मार्शल आर्ट्स की चर्चा हर तरफ थी। कम से कम एक बात तो तय थी कि टाइगर श्रॉफ नाम का एक लड़का है जो एक ही काम जानता है, पर वो काम उससे बेहतर शायद ही इस इंडस्ट्री में कोई जानता है। वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी टाइगर श्रॉफ का रिपोर्ट कार्ड काफी शानदार रहा है। उनकी पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक वो हर फिल्म के साथ आगे बढ़े हैं। अब ये उनकी फैन फॉलोइंग है,
या फिर उनकी किस्मत, लेकिन टाइगर श्रॉफ बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हैं। वहीं टाइगर श्रॉफ की पहली फिल्म हीरोपंती 25 करोड़ के बजट पर बनी थी, लेकिन फिल्म ने 72 करोड़ की कमाई करके सबको चौंका दिया। वहीं बागी में केवल टाइगर के स्टंट्स की बदौलत फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री पा ली, जबकि बागी का बजट केवल 35 करोड़ था। टाइगर श्रॉफ की कुछ फिल्में हैं अ फ्लाइंग जट, मुन्ना माइकल, जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इनफैक्ट लोगों ने भी इन फिल्मों को पसंद नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद 35 करोड़ के बजट में बनी फ्लाइंग जट ने 56 करोड़ की कमाई करके मुनाफा ना सही अपनी लागत तो निकाल ही ली थी। वहीं ऋतिक रोशन के बाद शाहिद कपूर डांसिंग स्टार की तरह चमकने वाले थे, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दोस्तों ऋतिक रोशन की तुलना वाला स्टार अगर किसी को माना गया है तो वो सिर्फ टाइगर श्रॉफ है। उनके अंदर बॉलीवुड के डांसिंग स्टार बनने वाले सारे लक्षण हैं और ये बात वो अपनी फिल्मों और सिंगल गानों से साबित कर चुके हैं। टाइगर श्रॉफ खुद भी कई बार मान चुके हैं कि वो एक अच्छे एक्टर नहीं है और इसलिए वो अपनी एक्टिंग स्किल पर काम करना चाहते हैं। अब इस पर कितनी मेहनत होगी और वो मेहनत काम आएगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन टाइगर श्रॉफ शायद सलमान खान के अलावा वो इकलौते स्टार होंगे जो बिना एक्टिंग जाने स्टारडम की राह पर हैं। अब टाइगर श्रॉफ एक्टिंग भले ही ना कर पाते हों, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो इस समय बॉलीवुड में एक्शन के लिए बेस्ट इंसान है। हालांकि अभी तक उन्होंने जितना एक्शन दिखाया है वो शायद उनके टैलेंट का 1% है, लेकिन इसके बावजूद टाइगर बिजनेस में बेस्ट है। उनकी जनरेशन का कोई एक्टर उनके आसपास कहीं नहीं फटकता। वहीं रैम्बो रीमेक पर सलमान खान से लेकर ऋतिक रोशन तक की नजर थी, लेकिन फिल्म टाइगर श्रॉफ के हाथ लगी। इसका मतलब साफ है कि एक्शन अवतार की बेस्ट चॉइस टाइगर श्रॉफ है और इस फिल्म से वो एक्शन किंग बनने को एकदम तैयार है। वहीं फिल्म वॉर के साथ टाइगर श्रॉफ फैंस को एक ट्रीट देने वाले हैं। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन को एक साथ देखने के लिए वैसे भी फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो वहीं बीते दिनों टाइगर श्रॉफ की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 रिलीज हुई थी, जिसमें अनन्या पांडे और तारा सुतारिया टाइगर श्रॉफ के साथ रोमांस करते नजर आए। हालांकि फिल्म लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन दर्शकों को टाइगर श्रॉफ से अभी भी काफी उम्मीदें हैं कि वो अपनी बागी 3 और वॉर फिल्म से उनको निराश नहीं करेंगे। वेल, आपको क्या लगता है, क्या टाइगर श्रॉफ इन फिल्मों से फिर से दर्शकों के दिलों में उतर पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। बागी 3 का टीजर कब आ रहा है? टाइगर श्रॉफ का असली नाम क्या है? टाइगर श्रॉफ क्यों कहते हैं कि उन्हें डांस नहीं आता है? टाइगर श्रॉफ की कौन कौन ब्लॉकबस्टर फिल्में आने वाली हैं? आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के गलियारे में। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ अब 29 साल के हो गए। बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ के बेटे टाइगर ने कम उम्र में ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली। टीन एजर्स के बीच टाइगर की लोकप्रियता देखते ही बनती। उनके डांस के स्टेप और फाइटिंग की स्किल्स बॉलीवुड के दिग्गजों को हैरान कर चुकी है। टाइगर फिल्मों में भले ही मस्ती करते दिखाई देते हो, लेकिन असल जिंदगी में वो बिल्कुल शांत रहना पसंद करते। पार्टियों में भी वो बिरले ही नजर आते। टाइगर श्रॉफ का जन्म मुंबई में हुआ था। साजिद नाडियावाला की फिल्म हीरोपंती के साथ टाइगर ने 2014 में अपने करियर की शुरुआत की थी। टाइगर डांस के शौकीन और फिटनेस फ्रीक भी। ऐसा कहा जाता है कि टाइगर आज की पीढ़ी के युवा के विपरीत ना तो शराब का सेवन करते हैं और ना ही सिगरेट को हाथ लगाते हैं। हालांकि एक फिल्म शूट के लिए उन्होंने सिगरेट को मुंह लगाया था, लेकिन उन्होंने इसे प्रोफेशनल कमिटमेंट का नाम दिया। टाइगर का असल नाम हेमंत श्रॉफ है। उनके करीबी बताते हैं कि बचपन में वो बहुत काटते खरोचते थे, जिसकी वजह से फिल्मों में उनका नाम टाइगर रख दिया। टाइगर बॉलीवुड में ऋतिक रोशन को अपना गुरु मानते हैं। टाइगर के डांस की भी काफी तारीफ होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि
टाइगर ने डांस की शुरुआत अपनी पहली फिल्म से ही की थी। एक शो के दौरान टाइगर ने बताया था कि मैंने डांस सीखने की शुरुआत अपनी पहली फिल्म से ही की थी, लेकिन लोगों को इस पर भरोसा नहीं होता। होस्ट ने पूछा कि आप लोगों को जन्मजात डांसर लगते हैं, तो इस पर टाइगर ने बताया कि मैं अच्छा डांसर नहीं हूँ, बस कोरियोग्राफी पर मेहनत करता हूँ। अगर आप मुझसे इस वक्त डांस करने के लिए कहेंगे तो शायद मैं ना कर पाऊँ। मैं वही कर पाता हूँ जो सिखाया जाता है। अपने 5 साल के करियर में टाइगर ने 6 फिल्मों में काम किया। हीरोपंती उनकी पहली फिल्म थी, इसके बाद बागी, ए फ्लाइंग जट, मुन्ना माइकल और बागी 2 रिलीज हो चुकी। आने वाली फिल्मों में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 है जो कि 10 मई को रिलीज होगी। फिल्म इंडस्ट्री में टाइगर का नाम दिशा पटानी से जोड़ा जाता है। दोनों को कई बार एक साथ देखा भी गया है। दिशा भी टाइगर की तरह फिटनेस फ्रीक है। दोनों की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने फिटनेस फ्रीक है। टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली फिल्मों के लिए बेहद गंभीरता से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने रैम्बो और बागी 3 जैसी फिल्मों में जबरदस्त एक्शन सीन्स देने के लिए इंटरनेशनल आर्टिस्ट से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली है। टाइगर श्रॉफ ने इसकी एक झलक अपने फैंस को भी एक वीडियो के जरिए दिखलाई। उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया जिसमें वो एक ट्रेनर से हाथापाई करते हुए दिखाई दी। टाइगर श्रॉफ के एक्शन फिल्मों में उनके क्लीन स्टंट और फाइट सीन्स इसी वजह से होते हैं क्योंकि ट्रेनिंग में वो कोई भी गलती नहीं करते। टाइगर को हमेशा गंभीरता और लगन से अपना काम करते हुए देखा गया है। टाइगर श्रॉफ इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, दुनिया भर के आर्टिस्ट संग काम करने व सीखने की शानदार खुशी होती। मैं आपको बता दूं, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन जल्द ही एक साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं। इसमें टाइगर और ऋतिक का जोरदार अंदाज देखने को मिलेगा। टाइगर के हिट फ्रेंचाइजी बागी 3 का तीसरा पार्ट पर काम शुरू हो गया है और टाइगर का खतरनाक एक्शन इसमें देखने को मिलेगा। यही नहीं, टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म रैम्बो के ऑफिशियल रिमेक में भी लीड रोल में है और टाइगर श्रॉफ ने कहा है कि वो बागी 3 का टीजर बहुत जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के साथ बागी 3 का टीजर भी लॉन्च किया जाएगा। बॉलीवुड में तो आए दिन कोई न कोई डेब्यू करता ही रहता है, लेकिन बहुत ऐसे कम स्टार्स हैं जो आते ही छा जाते हैं। उन्हीं लिस्ट में एक नाम जुड़ा 2012 में। बॉलीवुड में आते ही कहता है, क्या करो यार, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। मैं बात कर रहा हूँ टाइगर श्रॉफ के बारे में। साजिद नाडियाडवाला की हीरोपंती से डेब्यू किया और आते ही आते एक के बाद एक ताबड़तोड़ हिट फिल्में दी। बागी 2 के सक्सेस के बाद इसके डायरेक्टर ने इसके सीक्वल यानी कि पार्ट 3 की अनाउंसमेंट कर दी, जहां इसके पहले पार्ट यानी कि 2016 में रिलीज हुआ, सफल रहा और इसका अगला पार्ट बना 2018 में, वो भी रिलीज हुआ, जिसने 253 करोड़ का कलेक्शन किया। 59 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 253 करोड़ की कमाई कर रिकॉर्ड बना दिया। अब तीसरे पार्ट के भी हिट होने की उम्मीद की जा रही है। टाइगर श्रॉफ ने जब से हिंदी सिनेमा में कदम रखा है, तब से हर फिल्म में उन्होंने अपने स्टंट और डांस से लोगों को चौंका दिया है और बागी 3 में सब कुछ हमें पहले से और भी ज्यादा एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, चाहे वो स्टोरी हो या फिर एक्शन या फिर डांस। बागी 3 एक एक्शन मूवी है। फिल्म में लीड में है टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर। श्रद्धा सबसे पहले टाइगर के साथ बागी में नजर आई, उसके बाद दिशा ने उन्हें रिप्लेस किया, लेकिन श्रद्धा के बारे में सभी जानते हैं और एक बार फिर से डायरेक्टर मजबूर हो गए श्रद्धा कपूर को लेने के लिए। सुपरहिट एक्शन फ्रेंचाइजी बागी की तीसरी फिल्म में श्रद्धा कपूर बतौर हीरोइन नजर आएंगी। श्रद्धा कपूर बागी 3 में आने के बाद साजिद नाडियाडवाला कहते हैं, श्रद्धा कपूर के आने से बागी की पूरी टीम बहुत खुश है। बागी में टाइगर और श्रद्धा की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि इस फ्रेंचाइजी के फैंस दोनों के साथ आने से काफी एक्साइटेड होंगे। इसी बात पर श्रद्धा कपूर का कहना है कि फैमिली में वापसी आके मैं बहुत खुश हूँ। ये साजिद सर के साथ मेरी तीसरी फिल्म है, टाइगर संग दूसरी और अहमद सर के साथ पहली फिल्म होगी। मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी है और कहानी बहुत ही शानदार है। इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ जमकर पसीना बहा रहे हैं क्योंकि इसमें धमाकेदार एक्शन है और टाइगर ने ट्रेनिंग शुरू भी कर दी है। ये सभी जानते हैं बागी और बागी 2 से भी बड़ा बजट और धमाकेदार एक्शन सीन्स बागी 3 में नजर आने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं, और जिसकी तैयारी अहमद खान ने अभी से शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ सीरिया में जाकर ट्रेनिंग लेने वाले हैं।
फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग खाड़ी देशों में ही की जाएगी। अहमद खान चाहते हैं कि बागी 3 के लिए टाइगर भारी हथियारों के साथ ट्रेनिंग ली। फिल्म के लिए रिसर्च के दौरान अहमद खान को ये जानकारी मिली कि सीरिया में काफी उम्दा ट्रेनिंग कैंप्स हैं। लिहाजा नंबर वन में टाइगर सीरिया जाकर धूम सीरीज के बाद ये बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी में साबित होगी। हालांकि अभी इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ कि अक्षय कुमार किस रोल में नजर आएंगे। देखा जाए तो अक्षय हर तरह की रोल निभाने में सक्षम है और ये बात उन्होंने 2.0 जैसी फिल्म देखकर प्रूफ कर दी है। अब ऐसे अगर विलेन के रूप में सामने आते हैं तो अक्षय और टाइगर के फाइट सीन्स को देखना काफी दिलचस्प होगा, या अगर सपोर्टिंग रोल में आएंगे तो ये भी धमाकेदार होगा। दोस्तों टाइगर श्रॉफ उन स्टार्स में से हैं जो आते ही छा गए। टाइगर श्रॉफ युद्ध के साथ साथ बच्चों का भी दिल जीत ले गए। टाइगर ने बहुत कम फिल्में की लेकिन इनके बारे में आज हर कोई जानता है। कुछ फिल्में देकर इन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग आइडेंटिटी बना ली। वो एक्शन और डांस में इतने माहिर हैं कि सभी को दीवाना बना देते हैं। लेकिन ये कहानी शुरू हुई थी फिल्म एंटर द ड्रैगन ब्रूस ली की फिल्म से। उस फिल्म ने टाइगर को इतना इंस्पायर किया कि टाइगर ने मार्शल आर्ट सीखने का मन बना लिया। टाइगर ने टाइकोंडो में 5 डिग्री बेल्ट हासिल की जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। अगर बात करें डांस की तो माइकल जैक्सन और बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन से काफी इंस्पायर है। उनका ड्रीम था कि वो ऋतिक रोशन के साथ किसी फिल्म में काम करे और नजर आए। उनका मानना है कि ऋतिक जैसा कोई भी नहीं है और ना ही हो सकता है। वो मेरे आइडल हैं क्योंकि वो अच्छे एक्टर के साथ साथ अच्छे डांसर भी हैं। उनके फिल्मों का कलेक्शन बहुत अलग है जिसकी वजह से बॉलीवुड में उनकी अलग आइडेंटिटी है और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ, एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता हूँ। जब उनकी डेब्यू फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तब लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया। ट्रेलर से ज्यादा लोगों ने टाइगर के लुक के बारे में बात करना शुरू किया। लोग उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल कर रहे थे। जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे बुरा समय था वो। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी और फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म ने 3 दिन में ही 21 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। ये एक नॉन एक्टर और एस्टैब्लिश एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिल्म ने ओवरऑल 50 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म सक्सेसफुल होने के बाद लोगों का परसेप्शन टाइगर के लिए बदल गया और आज उनकी फैन फॉलोइंग किसी स्टार से कम नहीं। लेकिन शुरुआती दिनों में टाइगर के ऊपर बड़ा प्रेशर था क्योंकि वो एक स्टार किड थे। टाइगर को उनके पापा यानी कि जैकी श्रॉफ से हमेशा कंपेयर किया जाता था। माना कि दोनों के करियर की शुरुआत काफी अलग थी लेकिन फिर भी, और ये बात खुद टाइगर ने कही थी कि मेरे काम को हमेशा मेरे पापा के साथ कंपेयर किया जाता था, इसलिए फेलियर का डर उन्हें हमेशा बना रहता था और उसी चक्कर में उन्हें फिल्मों में और ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। इनकी पहली फिल्म से ही इन्हें एक्शन हीरो माना जाता है, द रियल एक्शन हीरो, इसलिए उनकी दूसरी फिल्म बागी भी कामयाब रही। टाइगर उन एक्टर्स में से हैं जो बॉडी डबल और स्टंट मैन का यूज नहीं करते, बिलीव ही नहीं करते एक्चुअल में। उनका कहना है कि अगर सारे रिस्क स्टंट, लिहाजा नवंबर में टाइगर सीरिया जाकर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग लेने वाले थे जैसे कि M16, AT4 और रॉकेट लॉन्चर। साथ ही साथ श्रद्धा भी कलरई पट्टू की ट्रेनिंग ले रही है। आपको बता दें कि श्रद्धा इन दिनों फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बनी हुई है। वो बागी 3 के अलावा वरुण के साथ स्ट्रीट डांसर समेत 5 बड़े बजट फिल्मों में नजर आने वाली है। नजर डालते हैं की आने वाली फिल्मों पर तो पहली फिल्म है बागी 3। श्रद्धा कपूर को बागी 3 के लिए फाइनल कर लिया गया है। वो एक बार फिर टाइगर श्रॉफ के साथ सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगी। श्रद्धा बागी का हिस्सा तो रह चुकी हैं। इसके बाद बागी 2 में टाइगर की कथित गर्लफ्रेंड ने अहम भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म है स्ट्रीट डांसर। रेमो डिसूजा की फिल्म स्ट्रीट डांसर में भी श्रद्धा कपूर नजर आएंगे, उनके अपोजिट वरुण धवन होंगे। बता दें कि साल 2015 में रिलीज हुई ABCD2 की सक्सेस के बाद रेमो डिसूजा स्ट्रीट डांसर लेकर आ रहे हैं। ये फिल्म 8 नवंबर 2019 को रिलीज होगी। उसके बाद है साहो। बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले एक्टर प्रभास साहो लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के साथ श्रद्धा तेलुगु सिनेमा में अपना सफर शुरू करने जा रही है। ये फिल्म 15 अगस्त 2019 को रिलीज होगी। बता दें कि प्रभास और श्रद्धा पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे। छिछोरे। सुपरहिट फिल्म दंगल डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर नितेश तिवारी अब फिल्म छिछोरे फिल्म लेकर आ रहे हैं। इसमें पहली बार श्रद्धा कपूर को सुशांत सिंह राजपूत के साथ सिल्वर स्क्रीन पर देखा जाएगा। ये फिल्म 30 अगस्त 2019 को रिलीज होगी। साइना नेहवाल बायोपिक। मशहूर बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल पर बायोपिक बन रही है जिसमें उनका किरदार श्रद्धा कपूर निभा रही है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। ये फिल्म भी इसी साल के आखिरी महीने में रिलीज होगी। दोस्तों इन दोनों नाम के अलावा एक और नाम सामने आया, वो है अक्षय कुमार का। अफवाह की माने तो सुपरहिट बागी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म यानी कि बागी 3 में टाइगर श्रॉफ के साथ अक्षय कुमार भी फाइनल होंगे। बागी 2 की बेजोड़ सफलता के बाद साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म को पहली दो फिल्मों से भी बड़ा बनाना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने टाइगर के साथ अक्षय कुमार को जोड़ने की प्लानिंग की है।
फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम कर चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बागी 3 को 100 करोड़ के तगड़े बजट पर बनाया जाएगा, लिहाजा मेकर्स 300 करोड़ की कमाई की उम्मीद कर रही हैं। और इसीलिए टाइगर और अक्षय दोनों को एक साथ लाया जा रहा है। जाहिर है दोनों एक्टर्स एक्शन के मामले में शानदार हैं। अगर सारे रिस्की सीन एक स्टंटमैन करेगा तो उनका पूरा क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए। हीरो से ज्यादा स्टंटमैन अपने जान का जोखिम डालते हैं। दोस्तों टाइगर श्रॉफ के स्टंट के सभी कायल हैं और ये बात उन्होंने हीरोपंती, बागी, बागी 2 में सब में प्रूफ किया और हर फिल्म में एक लेवल हमेशा बढ़ा ही है। बागी 2 में उन्होंने 120 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाया था। फिल्मों के अलावा साथ साथ इन्होंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया है प्रॉड। ये एक एक्टिव फैशन क्लोथिंग ब्रांड है जिसकी वैल्यू मार्केट में $4 बिलियन है। दोस्तों रोल, साउंड, कैमरा, एक्शन, ये वर्ड आप बहुत बार सुनते होंगे क्योंकि इसी से हमारी फिल्मों की शुरुआत होती है, चाहे वो हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड। इन वर्ड का इस्तेमाल कर कुछ डायरेक्टर्स ऐसी ऐसी फिल्में बना देते हैं जिन्हें कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी बनती हैं इनके अंदर जिन्हें पूरी दुनिया याद रखती है। बॉलीवुड कहें या इंडीवुड, ये एक ऐसी सिनेमा यूनिवर्स है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस करती है, लगभग 2000 एक साल में। अगर बॉलीवुड और बाकी की फिल्म इंडस्ट्री को अलग करें, जैसे कि टॉलीवुड, कॉलीवुड, बॉलीवुड, सैंडलवुड, हॉलीवुड और चॉलीवुड, तो 46% आउट ऑफ 100 बॉलीवुड फिल्में प्रोड्यूस करती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ मिलाकर 36% और रेस्ट ऑफ 12% बाकी की इंडस्ट्री। बॉलीवुड को दुनिया की बिगेस्ट मूवी इंडस्ट्री मानी जाती है, चाहे अब वो एम्प्लॉयड को लेके हो, मतलब कि कितने लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, या फिर नंबर ऑफ फिल्म्स प्रोड्यूस को लेके हो। एक रिपोर्ट की माने तो 2014 में ओवर 3.5 बिलियन टिकट्स बिके थे पूरे वर्ल्ड में एक साल के अंदर, और 9 लाख टिकट बिके थे सिर्फ इंडिया के बॉलीवुड सिनेमा से, जो कि हॉलीवुड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। बॉलीवुड के पास एक से बढ़कर एक डायरेक्टर्स हैं, और यूं कहें कि थे भी, चाहे वो यश चोपड़ा हो जिन्होंने दीवार, वीर जरा, डर, काला पत्थर, त्रिशूल, वक्त, कभी कभी, लम्हे, सिलसिला, इत्तेफाक जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी, संजय लीला भंसाली जिन्होंने ब्लैक, देवदास, खामोशी द म्यूजिकल, गुजारिश, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में दी, करण जौहर, माय नेम इज खान, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, इन फिल्मों को कोई नहीं भुला सकता। वहीं आदित्य चोपड़ा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रब ने बना दी जोड़ी, मोहब्बतें, ये बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स हैं और उनकी फिल्में हैं जो काफी फेमस हुई थी। हमारे बॉलीवुड में ऐसी बहुत सी फिल्में बनी हैं जिन्हें कभी कोई भुला नहीं सकता, और ये सफर शुरू हुआ था 1939 से और अभी तक लाखों करोड़ों फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो सदियों तक लोगों को याद रहेंगी, जो अमर हो चुकी है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। पहली फिल्म का नाम लूंगा अक्टूबर 1995 में रिलीज हुई DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, और मेरे ख्वाबों में जो आए, ये उस समय हर लड़की और हर लड़के की जुबान पे चढ़ा हुआ था जो भी 16 से 20 साल की उम्र में था। हालांकि मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था, और अगर हुआ होता तो उस लिस्ट में मैं भी शामिल होता। इस फिल्म के डायलॉग हम आज भी यूज करते हैं, और पलट 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 वाला डायलॉग तो सबको याद ही होगा, राज अगर ये तुझसे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी, पलट पलट पलट। या फिर इस फिल्म का दूसरा डायलॉग, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। आई नो इट्स वेरी बैड, लेकिन इस फिल्म ने नए युद्ध को कई सारे मैसेजेस दिए कि सपने देखो, जरूर देखो, बस उनके पूरे होने की शर्त मत रखो। फिल्म को किसने डायरेक्ट किया था सभी जानते हैं, आदित्य चोपड़ा ने। कास्ट में थे द किंग खान और काजोल। इस फिल्म के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक किसी के पास नहीं, वो है सबसे ज्यादा सिनेमा घरों में चलने वाला इनोसेंस और प्योर लव स्टोरी। इसके बाद आती है 2001 में आई फिल्म गदर, कोई नहीं भूल सकता। फिल्म में लीड में थे सनी देओल, और उनका उस फिल्म में डायलॉग ओए होए होए, पूछो ही मत। कुछ डायलॉग्स पे नजर डाल ही लेते हैं तो, अशरफ अली आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। अगला डायलॉग था, अगर मैं अपनी बीवी बच्चे के लिए सर झुका सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ। ये कुछ हार्ड हिटिंग डायलॉग्स थे, ऐसे डायलॉग्स और भी हैं पूरे फिल्म में। फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 80 करोड़ का। इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इस फिल्म के गाने और सनी पाजी का उखाड़ा हुआ हैंडपंप भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अगला नाम है मदर इंडिया। फिल्म आई थी 1957 में। फिल्म को लिखा था महबूब खान ने,
डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया था महबूब खान ने। फिल्म में लीड में थे नरगिस, सुनील दत्त और राजकुमार। ये एक्टर तो सबको याद होगा, और कोई हो ना हो इनकी हर कोई नकल करता था, मिमिक्री करता था। जाने हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, पर बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वो वक्त भी हमारा होगा। फिल्म सौदागर। इनके रूल्स काफी अलग थे, जहां आज की जनरेशन कैमरे को पूछती है, लेकिन इनका था कि कैमरा पहले इनके चरणों में आके गिरे और उसके बाद ये कोई शॉट देंगे। आपने अगर नोटिस भी किया होगा तो इनकी एंट्री में पहले इनके जूते दिखाई देते थे, उसके बाद कुछ अलग आता था। इस फिल्म की कहानी एक गांव में गरीबी से लड़ रही राधा की कहानी है, जो अपने बच्चों को पालने पोषने के लिए बहुत मेहनत करती है और फिल्म के एंड में वो खुद ही अपने बच्चों को मार देती है। फिल्म सुपर डुपर थी। इस फिल्म ने उस समय 80 मिलियन का कलेक्शन किया था। 80 मिलियन बोले तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, अब आगे खुद ही हिसाब लगा लो। 1976 की वो फिल्म जिसमें बसंती और धन्नो एक्टर से भी ज्यादा लाइमलाइट में रहे, मैं बात कर रहा हूँ शोले की, जिसे डायरेक्ट किया था रमेश शिल्पी ने, जिसे लिखा था सलीम जावेद। ये जोड़ी कमाल की जोड़ी थी, एक कहानी सोचता था तो दूसरा उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन शब्दों में पिरोता था और दुनिया को देता था। इस फिल्म के कैरेक्टर जय, वीरू, गब्बर या उनके डायलॉग्स, कितने आदमी थे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, अब तेरा क्या होगा कालिया। इसके साथ ही और भी ना जाने कितने हार्ड हिटिंग डायलॉग्स थे इस फिल्म के। कास्ट को देखे तो धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और जया बच्चन। अगला नाम द वन एंड ओनली जब प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम, 1960, डायरेक्टेड बाई के आशिफ। लगभग 3 घंटे की ये फिल्म थी और अपने आप में ही एक ऐतिहासिक। इस फिल्म को इसके गाने, डायलॉग्स और सेट्स के लिए आज भी जाना जाता है। अगर कुछ डायलॉग्स की बात करें तो, सलीम तुझे मरने नहीं देगा और अनारकली हम तुझे जीने नहीं देंगे। एक और डायलॉग है जो हर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अपने पिता से कहना चाहता है कि मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। अगली फिल्म है धर्मवीर, 1977, डायरेक्टेड बाय मनमोहन देसाई। फिल्म में लीड में थे धर्मेंद्र और जितेंद्र। अगली फिल्म है क्रांति। फिल्म को लिखा सलीम जावेद, डायरेक्टेड और प्रोड्यूस बाई मनोज कुमार। इस फिल्म में लीड में थे दिलीप कुमार और इन्हें एक प्यार करने वाला यानी कि आशिक और शराबी कभी नहीं भूल सकता। इनका एक बहुत फेमस डायलॉग भी है, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूँ कि सांसें ले सकूं। या फिर उनका एक और डायलॉग है कि तकदीर बदल जाती है, जमाना बदल जाता है, शहंशाहें बदल जाते हैं, मगर इस बदलती दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का हाथ थाम ले वो इंसान नहीं बदलता है। क्रांति फिल्म को अब तक की सबसे अच्छी और देशभक्ति फिल्म कही जाती है। हम बात कर रहे थे बागी 3 के बारे में, तो जान लेते छोटी मोटी जानकारी। तो बागी 3 की फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन 2019 में टाइगर की व्यवस्था यानी कि बिजनेस को देख के उम्मीद की जा रही है कि बागी 3 अगले साल यानी कि 2020 में धमाका करेगी, जहां फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अहमद खान और फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे साजिद नाडियाडवाला। फिल्म का बजट है 100 करोड़ और कहा जा रहा है कि ये फिल्म आराम से 300 करोड़ का बिजनेस कर लेगी। फिल्म प्रेजेंटेड बाय साजिद नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फॉक्स स्टार स्टूडियोज। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि बागी 3 के लिए अक्षय कुमार से बात की जा रही है और अक्षय कुमार की तरफ से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि जब बागी 2 रिलीज हुई थी तब अक्षय कुमार ने टाइगर श्रॉफ के एक्शन की बहुत तारीफ की थी और इसीलिए माना जा रहा है कि फिल्म में विलन की भूमिका अक्षय कुमार निभाएंगे। और इसी के साथ अक्षय कुमार के जुड़ने से फिल्म क्रिटिक्स का मानना है कि ये फिल्म अपने पहले वीकेंड में 500 करोड़ कमा सकती है। दोस्तों पिछले साल बागी 2 से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाले टाइगर श्रॉफ इस साल भी कई धमाके करने वाले हैं। इस साल स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बाद वो यशराज बैनर के तले ऋतिक रोशन के साथ धमाकेदार एक्शन फिल्म बनाने वाले हैं। और तो और अब उन्होंने 2020 भी अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, हाल ही में उन्होंने अगले साल आने वाली अपनी बड़ी फिल्म का ऐलान कर दिया है और ये फिल्म और कोई नहीं बल्कि बागी का तीसरा सीक्वल है। टाइगर श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बागी 3 का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए जानकारी दी है कि ये फिल्म अगले साल यानी कि 2020 की 6 मार्च को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। बाकी फिल्मों की तरह ये फिल्म भी टाइगर के जबरदस्त एक्शन सीन से भरी होगी। बागी 2 से इम्प्रेस्ड फैंस अब बागी 3 के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इससे पहले
स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और ऋतिक रोशन की फिल्म के साथ टाइगर अपने कई फ्लेवर फैंस के सामने पेश करने वाले हैं। और आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ ने दो दो बड़ी सीक्वल फिल्में भी फाइनल कर ली है और ऐसा मालूम होता है कि बॉलीवुड में अब सीक्वल फिल्मों का दौर चल रहा है। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ के लिए बीता साल काफी धमाकेदार रहा है, जहां फिल्म बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए, तो वहीं एक के बाद एक टाइगर को फिल्में भी मिलती रही। और आपको बता दें कि आने वाले दिनों में टाइगर एक से बढ़कर एक किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में टाइगर बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर टाइगर के खाते में इस समय कौन कौन सी धमाकेदार फिल्में हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली फिल्म है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में बनने वाली इस फिल्म में टाइगर दो हसीनाओं के साथ रोमांस करते हुए दिखेंगे। और इस फिल्म में टाइगर के साथ अनन्या पांडे और तारा सुतारिया नजर आने वाली है। और फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं पुनीत मल्होत्रा। दोस्तों, वहीं ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की अनाम फिल्म यशराज बैनर तले बनने जा रही इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल शुरू हो चुकी है। और इस फिल्म के जरिए पहली दफा ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी एक साथ नजर आने वाली है। और दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद। तो वहीं बीते साल रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी स्टारर बागी 2, दोस्तों ये फिल्म खासी चर्चाओं में थी और फिल्म का ट्रेलर ही इतना जबरदस्त था कि मेकर्स ने इसकी रिलीज से पहले ही इसके अगले पार्ट का ऐलान कर दिया था। वहीं हाल ही में टाइगर को रोहित शेट्टी के ऑफिस के बाहर भी देखा गया है। जी हाँ, और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही टाइगर रोहित की एक्शन फिल्म में देख सकते हैं। और आपको बता दें कि रोहित काफी लंबे समय से टाइगर के साथ फिल्म भी बनाना चाहते थे। तो वहीं दोस्तों, अब टाइगर श्रॉफ हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म रैम्बो के रीमेक में भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि टाइगर श्रॉफ बेहतरीन अभिनेताओं में से एक है और बीते साल उन्होंने एक बेहतरीन फिल्म दी और उस फिल्म ने 160 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। दरअसल हम बात कर रहे हैं बागी 2 के बारे में। टाइगर ने कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि बागी 2 को लोग इतना पसंद करेंगे, लिहाजा उसकी सफलता के बाद अब मुझ पर प्रेशर और बढ़ चुका है। अब लोगों को इस सीक्वल से और मुझसे उम्मीदें ज्यादा होने लगी हैं। तो दोस्तों, इसीलिए टाइगर ने कहा कि स्क्रिप्ट में काफी चेंजेस करने पड़ रहे हैं और उसे भव्य बनाने के लिए अच्छे अच्छे लोकेशंस की तलाश की जा रही है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अभी फिल्म मेकर्स ने इस बात का खुलासा नहीं किया है, पर फिल्मी गलियारों में चर्चा है कि इस फिल्म से अक्षय कुमार को जोड़ा जा सकता है। वैसे अक्षय कुमार के सितारे अभी बुलंदियों पर हैं। दोस्तों, बागी 3 की बात करें तो बागी 3 एक एक्शन ड्रामा लव स्टोरी है जिसमें हॉलीवुड के किसी एक्टर को लिया जाएगा क्योंकि स्टोरी की डिमांड ऐसी है। वहीं दोस्तों, फिल्म का बजट करीब 300 करोड़ रुपए रखा गया है। बागी 3 के नए पोस्टर के साथ रिलीज डेट की घोषणा भी कर दी गई है और फिल्म 6 मार्च 2020 को रिलीज की जाएगी और फिल्म का निर्देशन करेंगे अहमद खान। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि टाइगर करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग पूरी कर चुके हैं और इसमें टाइगर के साथ अनन्या पांडे और तारा सुतारिया नजर आएंगी और ये फिल्म 10 मई 2019 को रिलीज की जाएगी। वैसे दोस्तों, अभी टाइगर श्रॉफ यशराज की सुपर बिग बजट एक्शन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जिसमें ऋतिक रोशन और वाणी कपूर नजर आएंगे और ये फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज की जाएगी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ये भी माना जा रहा है कि टाइगर की आने वाली सभी फिल्मों से बॉलीवुड को करीब 2000 करोड़ का फायदा होने वाला है। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस करेगी? आखिर क्या कारण है कि सलमान खान की फिल्म बागी से बागी 3 की तुलना की जा रही? हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो टाइगर श्रॉफ की बागी बनी थी वो एक प्रकार से सलमान खान की फिल्म बागी का रिमेक थी और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना धमाल नहीं मचा पाई थी। लेकिन सलमान खान का एंग्री यंग मैन वाला जो करेक्टर था वो काफी लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ था और इसी फिल्म का रिमेक जो है टाइगर श्रॉफ ने करवाया था जिसमें उन्होंने कमाल का अभिनय किया था और जो बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी।
आखिर क्या कारण है कि टाइगर श्रॉफ की तुलना आजकल कुछ लोग सलमान खान से कर रहे हैं? मेरा तो सिर्फ इतना ही मानना है कि सलमान खान की तुलना टाइगर श्रॉफ से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सलमान खान की एक अलग शैली है और टाइगर श्रॉफ की एक अलग शैली है। जहां सलमान खान एक आइकॉनिक करेक्टर है, एक प्रकार से एक आइडियल करेक्टर है, उनका समाज में एक प्रकार से दबंगई है, एक प्रकार से समाज में उन्हें लोगों का एक्टर कहा जाता है, वहीं टाइगर श्रॉफ भी सलमान खान से कुछ कम नहीं है, क्योंकि टाइगर श्रॉफ नाच सकते हैं, बोल सकते हैं और अभिनय कर सकते हैं। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि बॉलीवुड को टाइगर श्रॉफ के रूप में एक अच्छा अभिनेता मिला है। और टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म यानी कि बागी 3 के लिए अक्षय कुमार से बात की गई है। वाह, कमाल की बात है कि अगर बागी 3 से अक्षय कुमार जुड़ते हैं तो यह फिल्म जरूर भारत की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बन जाएगी, क्योंकि एक्शन करने में हमारे अक्षय कुमार का कोई जवाब ही नहीं। उनकी खिलाड़ी सीरीज की कोई भी फिल्म उठाकर आप देख लीजिए, अक्षय कुमार ने लाजवाब एक्शन किया है। अब जब बागी 3 में अक्षय कुमार अभिनय करेंगे तो बागी 3 जो है और भी बड़ी फ्रेंचाइजी बन जाएगी, क्योंकि मेकर्स इसे और भी बड़ा बनाना चाहते हैं और बड़ा बनाने के लिए किसी बड़े स्टार को तो लाना ही पड़ेगा, तो अक्षय कुमार जो है इसके लिए सबसे परफेक्ट है। लेकिन अभी फिल्मी गलियारों में एक और हलचल मची हुई है कि टाइगर श्रॉफ चाहते हैं कि अगर इस फिल्म से अजय देवगन जुड़ जाए। अब भैया, जो आंखों से अभिनय करने वाला इंसान इस फिल्म से जुड़ेगा तो यह फिल्म भारत की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी। मैं तो ये कहता हूं कि इस फिल्म में अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों को साथ में रख लो, फिर देखो कि यह फिल्म कितनी बड़ी होती है। वैसे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 40 से 50 करोड़ का बिजनेस पहले दिन कर सकती है। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यह फिल्म 300 करोड़ फिल्म होगी, और तो और यह फिल्म 500 करोड़ तक का भी बिजनेस कर सकती है। जैसा कि इस फिल्म के डायरेक्टर अहमद खान का मानना है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो अपने आप में लाजवाब है। लेकिन मेरी बात, मुझे इसमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार इस फिल्म के साथ सलमान खान को क्यों जोड़ा जा रहा है। माना कि सलमान खान के फिल्म बागी का रिमेक थी बागी, लेकिन सलमान खान कहीं और तो टाइगर श्रॉफ कहीं और, जहां बॉक्स ऑफिस के किंग माने जाते हैं सलमान खान, और वाकई वो किंग है, और टाइगर श्रॉफ एक उभरता हुआ अभिनेता है, एक उभरता हुआ सितारा है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है, खास करके इस मीडिया से, कि टाइगर श्रॉफ की तुलना आप सलमान खान से ना करें, क्योंकि सलमान खान की दिशा अलग है और टाइगर श्रॉफ की दिशा अलग है। दोनों नदी के दो किनारे हो सकते हैं जो दोनों साथ चल सकते हैं, लेकिन दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता है। दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, लेकिन दोनों में दोस्ती बरकरार रहेगी, क्योंकि टाइगर श्रॉफ सलमान खान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। यही तो वजह है कि टाइगर श्रॉफ का कहना है कि कभी भी वो सलमान खान की फिल्म के सामने अपनी फिल्म नहीं उतारेंगे। बागी सीरीज में एक बार फिर श्रद्धा कपूर की एंट्री हो चुकी है। खबर है कि बागी 3 के लिए साजिद नाडियावाला ने टाइगर श्रॉफ के अपोजिट सारा अली खान को अप्रोच किया था, लेकिन सारा अपने रोल से फिल्म में खुश नहीं थी और इसीलिए उन्होंने फिल्म छोड़ दी और एक बार फिर से फिल्म आ गिरी श्रद्धा कपूर की झोली में। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर बागी सीरीज की पहली फिल्म में दिखाई दिए थे और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था। फिल्म में श्रद्धा कपूर काफी एक्शन करती नजर आई थी, लेकिन उन्हें याद रखा गया था उनके गाने यानी कि छम छम के लिए। अब एक बार फिर से फैंस उन्हें और टाइगर को एक साथ देखने के लिए काफी उत्साहित हैं। आपको बता दें कि बागी 3 6 मार्च 2020 को रिलीज हो रही है। फिल्म का एक पोस्टर और
ऐलान पहले ही किया जा चुका है और फिल्म की तैयारी भी तेजी से चल रही है। श्रद्धा कपूर ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि इस बार की स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है और मैं एक बार फिर इस फ्रेंचाइजी में वापस आकर बेहद खुश हूँ। गौरतलब है कि बागी 2016 में रिलीज हुई थी और इसके बाद 2018 में बागी 2 रिलीज हुई और अब 6 मार्च 2020 को फिल्म का तीसरा इंस्टॉलमेंट दर्शकों के सामने होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बागी फिल्म में श्रद्धा ने काफी धमाल मचाया था और दोनों की जोड़ी को भी दर्शकों ने पूरे नंबर दिए और सबको उम्मीद भी थी कि बागी 2 की हीरोइन भी श्रद्धा ही होंगी। लेकिन बागी 2 में रियल लाइफ कपल टाइगर श्रॉफ के साथ दिशा पटानी की एंट्री हुई और अब जाहिर सी बात है कि इस जोड़ी को टाइगर श्रद्धा से ज्यादा प्यार मिलना ही था। और इतना ही नहीं, सबको उम्मीद थी कि बागी 3 में भी दिशा ही होंगी, तो वहीं अब बागी 3 में एक बार फिर श्रद्धा कपूर की वापसी हो चुकी है। फिल्म की तैयारी भी तेजी से चल रही है और माना जा रहा है कि फिल्म एक्शन और कहानी के स्तर पर पिछली दोनों फिल्मों से ज्यादा बड़ी होगी। दोस्तों, वहीं टाइगर और श्रद्धा की बागी जो कि 37 करोड़ के बजट पर बनी थी और इसने वर्ल्ड वाइड 127 करोड़ की कमाई की और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। वहीं बागी के विलन थे साउथ के सुपरस्टार सुधीर बाबू और फैंस ने उनका बॉलीवुड में बाहें फैलाकर स्वागत किया था। और अब देखते हैं कि बागी 3 में कौन विलन होता है। तो वहीं बागी 2 के साथ अब टाइगर श्रॉफ सबसे सफल एक्शन हीरो बन चुके हैं। फिल्म ने 25 करोड़ की ओपनिंग के साथ सबको चौंका दिया था और इसी के साथ टाइगर दिशा की जोड़ी ने कई बड़े एक्टर्स को पटखनी दी थी। बागी 2 का बजट था 59 करोड़ और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और इसी के साथ टाइगर श्रॉफ अपनी जनरेशन के सबसे सफल एक्शन हीरो बन चुके हैं। श्रद्धा की बात करें तो श्रद्धा कपूर के पास बेहद अच्छी फिल्मों का पिटारा है। एक तरफ वो दंगल फेम डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म छिछोरे में सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट दिखाई देंगी, तो साइना नेहवाल की बायोपिक में भी वो नजर आने वाली है। वहीं अब वो वरुण धवन के अपोजिट रेमो डिसूजा की स्ट्रीट डांसर का भी हिस्सा है। तो वहीं साउथ में भी धमाका होने वाला है। जी हाँ, श्रद्धा कपूर इस साल प्रभास की साहू के साथ भी एक्शन धमाका करने वाली है और जिस फिल्म में वो प्रभास के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। और दोस्तों, ये तो तय है कि मार्च 2020 में टाइगर श्रॉफ एक बार फिर से एक्शन धमाका करने वाले हैं। लेकिन देखना ये है कि बागी 3 में दर्शकों को और क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी एक्शन स्टंट और डांस की बात आती है तो सबसे पहले टाइगर श्रॉफ का नाम सामने आता है, क्योंकि जब से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा है तब से उन्होंने अपने स्टंट सीन, एक्शन सीन्स और अपने डांस मूव्स से सभी फैंस को बेहद इम्प्रेस किया है और आज उनके इंडस्ट्री में बहुत सारे फैंस हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इन दिनों टाइगर श्रॉफ बागी 3 की शूटिंग में बिजी हैं और इस फिल्म के एक्शन वीडियो वायरल हुआ है जो इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी सोशल साइट्स पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर को फाइनल कर लिया गया है। श्रद्धा कपूर को आपने फिल्म बागी में देखा होगा, जिसके बाद बागी 2 में दिशा पटानी नजर आई और उनकी एक्टिंग की भी काफी जमकर तारीफ की गई थी। लेकिन बागी 3 का अब हिस्सा बनने जा रही हैं श्रद्धा कपूर। तो वहीं दोस्तों, इस फिल्म को भी निर्देशित करने वाले हैं निर्देशक अहमद खान और श्रद्धा कपूर से उम्मीद की जा रही है कि वो इस फिल्म में अपना जमकर एक्शन दिखाने वाली हैं और उनसे उम्मीदें भी काफी बढ़ चुकी हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि बागी और बागी 2 से भी बड़ा बजट होने वाला है बागी 3 का और इसमें और भी ज़्यादा बेहतरीन एक्शन स्टंट आपको देखने को मिलेंगे। और एक ये भी वजह है कि फिल्म से उम्मीदें ज़्यादा की जा रही है। इनफैक्ट उनके फैंस यानी कि टाइगर श्रॉफ के फैंस ने फिल्म रिलीज होने से पहले इसको ब्लॉकबस्टर साबित कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म 1000 करोड़ का दमदार कलेक्शन कर लेगी। वहीं आपको बता दें कि इमरान हाशमी के बाद बॉलीवुड में एक ऐसा हीरो आ गया है जो फिल्म में किसिंग सीन ना होने के बावजूद हीरोइन को किस कर देता है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्लाइंग जट मूवी के दौरान इस फिल्म का एक सुपरहिट गाना आया था बीट पे बूटी, आपको तो याद ही होगा, जिस फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने जैकलीन को किस किया था इस गाने के दौरान। लेकिन रेमो डिसूजा चाहते थे कि इस गाने के दौरान वो डांस करते वक्त थोड़ा सा क्लोज आए, लेकिन उन्होंने बोला था कि अगर किसकी जरूरत हो तो वो किस कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों ही एक्टर आपस में नजदीक आए तो उन्होंने किस कर दिया। वैसे दोस्तों, माना जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म यानी कि बागी 3
बॉलीवुड में काफी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, यानी कि 1,000 करोड़ का कलेक्शन करने वाली है। बागी और बागी 2 की सक्सेस के बाद फैंस बागी 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। निर्माताओं ने बागी 3 की घोषणा के साथ साथ इस बात की अनाउंसमेंट भी की थी कि इस बार फिल्म के नए पार्ट में पहले से भी ज्यादा जबरदस्त एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे और जिसके बाद फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि इस साल रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था और पहले दिन ही 25 करोड़ का कारोबार करके अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड को तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद फिल्म के मेकर्स ने फिल्म के तीसरे पार्ट की घोषणा कर दी थी। और आपको बता दें कि साजिद ने बागी 3 को लेकर घोषणा तक की थी जब बागी 2 रिलीज भी नहीं हुई थी और सिर्फ फिल्म का ट्रेलर आने वाला था। हाल ही में फिल्म के निर्देशक अहमद खान ने बागी 3 ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस कर दी है और फिल्म को दर्शकों के सामने 2020 में लाने का फैसला किया है और जिसके बाद अब बागी 3 6 मार्च 2020 में रिलीज होगी। साथ ही फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में फेसबुक पर फिल्म का फर्स्ट पोस्टर जारी करते हुए कैप्शन में लिखा है कि 6/3/2020 ही विल रिटर्न। आपको बता दें कि दोस्तों पोस्टर के साथ ही फिल्म में टाइगर का फर्स्ट लुक भी रिवील किया गया है, जिसके बाद फैंस अपनी एक्साइटमेंट को बयां नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म के इस तीसरे पार्ट में एक बड़े स्टार की एंट्री होने वाली है। और दोस्तों ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी हमारे अक्षय कुमार हैं। और आपको बता दें कि काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि फिल्म में बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं और अब ये बात सही साबित होने जा रही है, जिसके बाद दोस्तों अक्षय और टाइगर साथ में मिलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाते नजर आएंगे। हाल ही में अक्षय कुमार फिल्म 2.0 में नजर आ चुके हैं, जिसके बाद अब अक्षय की फैन फॉलोइंग्स काफी बढ़ गई है और बताया जा रहा था कि काफी समय से अक्षय को इस बात के लिए मनाया जा रहा है कि वो टाइगर के साथ बागी 3 करें। मेकर्स का कहना था कि यदि अक्षय इस फिल्म को करने से मना कर देते हैं तो वो किसी और स्टार को फिल्म के लिए अप्रोच करेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि अक्षय और साजिद नाडियावाला काफी लंबे समय से अच्छे दोस्त रहे हैं। अक्षय पहले भी साजिद के साथ फिल्म हाउसफुल के तीनों पार्ट्स में काम कर चुके हैं, जिसके रहते अक्षय इस फिल्म को करने के लिए मान गए। लेकिन दोस्तों अक्षय चाहते हैं कि उनका रोल भी फिल्म में टाइगर की तरह ही दमदार हो और इसी वजह से स्क्रिप्ट पर फिर से काम किया जा रहा है और जिसका मतलब तो ये है कि ये दो एक्शन हीरो इस फिल्म में एक साथ धमाके पर धमाके करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि बागी 3 की शूटिंग दिसंबर 2018 से ही शुरू होने वाली है और फिल्म का निर्देशन भी अहमद खान ही करने जा रहे हैं और टाइगर श्रॉफ ही फिल्म का हिस्सा होंगे और उनके साथ फिल्म में सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान नजर आएगी। दोस्तों काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि मेकर्स फिल्म के लिए सारा अली खान और जानवी कपूर के बीच काफी कंफ्यूज थे, वो इस फिल्म में किस एक्ट्रेस को लें। इस बात को लेकर हुए एक लंबे घमासान के बाद मेकर्स ने सारा को फिल्म के लिए फाइनल कर लिया, जिसके बाद दोस्तों अब बागी 3 में टाइगर श्रॉफ के साथ सारा अली खान रोमांस करती नजर आएंगी। हाल ही में सारा फिल्म केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत के साथ नजर आ चुकी हैं और फैंस ने इस नई जोड़ी को खूब पसंद भी किया है। आपको बता दें कि फिल्म बागी 2 फिल्म बागी की अगली कड़ी थी और इस फिल्म में श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ की अहम भूमिका थी, जिसके बाद बागी 2 बनी और उसमें टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की अहम भूमिका थी। बागी 2 इस साल 30 मार्च को रिलीज हुई थी। बागी 2 में बागी के मुकाबले एक्शन और थ्रिल बेहद ज्यादा था। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था, जिसके बाद फैंस बागी 3 का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है क्योंकि फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस जो कर दी है। और अगर बात करें टाइगर श्रॉफ की तो वो फिलहाल करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग में बिजी हैं और फिल्म में टाइगर के साथ अनन्या पांडे
और तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आएंगी। आपको बता दें कि ये फिल्म 10 मई 2019 में रिलीज होने वाली है। और अगर बात करें सारा की, तो वो फिलहाल फिल्म सिम्बा के प्रमोशन में बिजी हैं। और फिल्म में सारा के साथ रणवीर सिंह और सानू सूद मुख्य भूमिका में हैं। और फिल्म 28 दिसंबर को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने को तैयार है। तो दोस्तों, आप फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं? अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ ने अपने हिट फ्रेंचाइजी बागी के लिए पसीना बहाना शुरू कर दिया। टाइगर श्रॉफ इन दिनों बागी 3 के लिए एक्शन में हाथ साफ कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड में 5 साल हो चुके हैं और अब वे एक एक्शन स्टार के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। युवा सितारों में ऐसा बिरला ही कोई स्टार होगा जो उन्हें एक्शन में टक्कर दे सके। टाइगर श्रॉफ ने भले ही बागी 3 के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है, लेकिन सूत्रों की माने तो निर्माता अभी भी फिल्म की अभिनेत्री की भूमिका के लिए एक नए चेहरे की तलाश में। पिछले 2 पार्ट में श्रद्धा कपूर और दिशा पटानी नजर आ चुकी है। टाइगर श्रॉफ अपनी बेहद मुश्किल ट्रेनिंग में कई तरह के स्टंट सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार फिल्म के निर्माताओं की भारत और विदेशों से स्टंट विशेषज्ञों सहित विशेष रिहर्सल सेशन करने की योजना है। बागी 2 इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से है, इसलिए तीसरे भाग से प्रशंसकों की उम्मीद दुगना बढ़ जाती है। बागी 3 के प्रशिक्षण में M16, 84 और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों का उपयोग सीखना शामिल है। स्क्रिप्ट लगभग तैयार है। अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक्शन और ड्रामे की भरमार होगी, साथ ही टाइगर विभिन्न अवतार में नजर आएंगे। सूत्रों ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि निर्माता साजिद नाडियाडवाला को फिल्म के लिए जानी मानी अभिनेत्रियों द्वारा अप्रोच किया जा रहा है। हालांकि निर्माताओं ने ये अभी तय नहीं किया है कि वे फिल्म के लिए किसी नए चेहरे का चयन करेंगे या फिर कोई जाना माना नाम फिल्म में टाइगर के अपोजिट नजर आएगा। देश भर में करवा चौथ के त्योहार को जोर शोर से मनाया जा रहा है। शादीशुदा महिलाओं के लिए ये त्योहार बेहद खास है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ मुहूर्त पर करवा चौथ मनाया जाता है, जो इस बार 27 अक्टूबर को है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और शाम को पूजन करने के बाद चांद और पति में से देखने के बाद जल ग्रहण करती हैं। वैसे बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें करवा चौथ को धूमधाम से मनाया गया है। करवा चौथ के मौके पर कुछ ऐसे गानों का मैं जिक्र करने जा रहा हूं जिसे लोग अक्सर गुनगुनाते हैं। वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में साल 1995 में आई बॉलीवुड की एवरग्रीन रोमांटिक फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में करवा चौथ सीक्वेंस तो आपको याद ही होगा। फिल्म में दिखाया जाता है कि काजोल ये व्रत अपने होने वाले पति परमीश सेट्टी के लिए रखती है, लेकिन असल में वो चोरी छिपे अपने प्रेमी शाहरुख खान के लिए निर्जला व्रत रखती है। काजोल इस व्रत को रखने के दौरान बेहोश होने का नाटक करती है, उसी प्रेमी के हाथों पानी पीती है जिससे वो शादी करना चाहती है। व्रत की पूजा के बाद राज और सिमरन दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। बागवान में करवा चौथ साल 2003 में आई बागवान का करवा चौथ रोमांटिक से कहीं ज्यादा दर्शकों को इमोशनल कर देता है। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी पर फिल्माए गए सीक्वेंस में दोनों एक दूसरे से दूर अलग अलग शहरों में व्रत रखते हैं। चांद निकलने पर हेमा अमिताभ को फोन कर अपना व्रत पूरा करती है। इस सीन में खुद अमिताभ भी हेमा के लिए व्रत रखते हैं और तब तक पानी नहीं पीते जब तक चांद नहीं निकल आता। जब हेमा को पता चलता है कि अमिताभ के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो अपनी भरी थाली छोड़ चली जाती है। हम दिल दे चुके सनम में करवा चौथ 1999 में आई सलमान खान और ऐश्वर्या राय के अधूरी प्रेम की कहानी में करवा चौथ के व्रत को बड़े दिलचस्प अंदाज में दिखाया गया है। अगर हम इस फिल्म में करवा चौथ के व्रत की बात करें तो संजय लीला भंसाली ने जिस खूबसूरती से चांद छुपा बादल में गाने को फिल्माया है वो आज भी भूला नहीं जा सकता है। इस गाने में सलमान चांद से जल्दी नहीं निकलने को बोल रहे हैं ताकि उनकी प्रेमिका उन्हें छोड़कर ना चली जाए। दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब है। ऐश्वर्या ये व्रत पति अजय देवगन के लिए रखती है, लेकिन उनका दिल सलमान खान के पास होता है। कभी खुशी कभी गम में करवा चौथ साल 2001 में आई मल्टी स्टारर फिल्म कभी खुशी कभी गम में करवा चौथ को बड़े ही भव्य अंदाज में फिल्माया गया था। इस सीन में 3 फिल्मी जोड़ियां व्रत रखती हैं। व्रत के साथ साथ बोले चूड़िया गाने में स्टार झूमते भी दिखते हैं। इश्क विश्क में करवा चौथ 2003 में रिलीज फिल्म इश्क विश्क में अमृता राव अपने प्यार शाहिद कपूर के खातिर करवा चौथ का व्रत रखती है। बिना शादी किए और किसी को बिना बताए
अमृता यानी कि पायल अपने प्यार शाहिद यानी कि राजीव के लिए निर्जला व्रत करती है। सबकी नजरों से बचकर शाहिद उनका व्रत तोड़ने उनके कमरे में आते। इस सीक्वेंस को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारा गया है। अब हम बात करते हैं कि बागी 2 की कहानी क्या है। जब बात दिल और दिमाग के बीच फंसी हो तो हमेशा दिल की सुनो। फिल्म बागी 2 का नायक कैप्टन रणवीर प्रताप सिंह उर्फ रॉनी यानी कि टाइगर श्रॉफ भी कुछ ऐसा ही करता है। रॉनी और नेहा यानी कि दिशा पटानी कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन नेहा के पिता रॉनी को पसंद नहीं करते। रॉनी और नेहा भागकर शादी करने जाते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि नेहा और रॉनी अलग हो जाते हैं और नेहा की किसी और से शादी हो जाती है। वहीं रॉनी आर्मी में कमांडो बन जाता है। 4 साल बाद नेहा रॉनी से अपनी किडनैप हुई बेटी के बारे में मदद मांगती है। रॉनी को नेहा के देवर सनी यानी कि प्रतीक बब्बर पर शक है, लेकिन नेहा का पति शेखर यानी कि दर्शन कुमार रॉनी को बताता है कि उनकी कोई बेटी थी ही नहीं। इस तरह चीजें काफी उलझ जाती है। आखिर रॉनी इस मिस्ट्री को सुलझाने में कामयाब हो पाता है या नहीं, इस फिल्म का क्लाइमैक्स है। अपने फिल्मी करियर की दूसरी फिल्म बागी से 100 करोड़ कलम में एंट्री करके टाइगर साहब ने दिखा दिया था कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। फिल्म के निर्माताओं ने उसी वक्त बागी का सीक्वल अनाउंस कर दिया था। वहीं अब बागी 2 की रिलीज से पहले बागी 3 अनाउंस हो गई है। बागी 2 तेलुगु फिल्म छड़म की रिमेक है। टाइगर श्रॉफ के एक्शन का दर्शकों में कितना क्रेज है इसकी गवाही सुबह सुबह का हाउसफुल शो दे रहा था। देश भर में 3,500 स्क्रीन पर रिलीज हुई बागी 2 टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी रिलीज है। लाइफ कपल टाइगर और दिशा की जोड़ी ऑन स्क्रीन काफी जमी, खासकर उनकी पर्सनल केमिस्ट्री बेहतर होने की वजह से स्क्रीन पर यह कपल खूब जमा। हालांकि दिशा और बेहतर कर सकती थी। वहीं खुद टाइगर ने अपने फैंस को हैरान कर देने वाले ढेरों एक्शन सीन किए हैं, जो कि सिनेमा घरों में फैंस को सीटियां बजाने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो वन मैन आर्मी के रोल के अंदाज में फपते हैं। अपने एक टॉर्चर सीन में टाइगर पूरी तरह बिना कपड़ों के नजर आए हैं। उन्होंने फिल्म के लिए खास तौर पर हांगकांग में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको बांध कर रखता है, लेकिन सेकेंड हाफ में डायरेक्टर अहमद खान फिल्म को सफल नहीं बना पाए और आखिरी आधे घंटे में टाइगर के बेहतरीन एक्शन सीन्स के बावजूद कहानी के लेवल पर फिल्म पटरी से उतर जाती है। प्रतीक बब्बर ने विलन के रोल से बड़े पर्दे पर वापसी की है। ये बात और है कि इस कहानी का असली रावण कोई और निकलता है। डीआईजी के रोल में मनोज बाजपेयी हमेशा की तरह जमे हैं। वहीं एसपी के रोल में रणदीप हुड्डा ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। दीपक डोबरियाल ने भी अपने उस्मान लंगड़ा के रोल को बाखूबी निभाया। फिल्म की शूटिंग मनाली, थाईलैंड, गोवा और लद्दाख की खूबसूरत लोकेशंस पर हुई है। फिल्म का संगीत ठीक ठाक है, लेकिन जैकलिन फर्नांडिस पर फिल्माए गए माधुरी दीक्षित के गाने 1, 2, 3 पहले ही हिट हो चुका है। हालांकि आप हैरत अंगेज एक्शन सीन वाली फिल्मों के शौकीन हैं, तो टाइगर श्रॉफ आपको कतई निराश नहीं करेंगे। टाइगर श्रॉफ के वन लाइनर डायलॉग, जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है, इस लड़ाई में उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं, इतना तोड़ूंगा ना कि अकड़ नजाकत में बदल जाएगी। वन मैन आर्मी के बारे में सुना है, वो अकेला ही पूरी फौज के बराबर है। कहावत सुनी है, एक सड़ा हुआ आम पूरी पेटी को बर्बाद कर देता है। फर्ज कीजिए आमिर खान और अमिताभ बच्चन एक ही घर में रहने लगे हैं, तो वो चाय की चुस्कियां लेते हुए किस बारे में बात करेंगे। जाहिर है उनके जिक्र में आमिर के बेटे आजाद और आराध्या का नाम जरूर आएगा, चूंकि दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक ऐसी काल्पनिक कहानी क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक खास वजह है। खुद आमिर खान ने कहा है कि वो अमिताभ बच्चन के घर में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट होना चाहते हैं। हाँ, मगर ये सच है कि उन्होंने ये सारी बातें मजाक में कही है अमिताभ के शो KBC में कौन बनेगा करोड़पति में। इस चाहत के पीछे का पूरा माजरा दरअसल ये है कि आमिर खान लंबे अरसे के बाद कौन बनेगा करोड़पति का हिस्सा बने हैं। 5 सालों के बाद वो इस शो का फिर से हिस्सा बने हैं। आमिर खान ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो अमिताभ के साथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस तस्वीर के साथ यह बात भी शेयर की है कि उन्होंने इस शो की शूटिंग के दौरान अमिताभ से कई सारे रिक्वेस्ट की और अमिताभ ने उन्हें पूरी भी की, लेकिन आमिर ने अब तक इसकी जानकारी नहीं दी थी उन्होंने अपनी तरफ से अमिताभ को क्या करने को कहा। शो में आमिर खान ने अमिताभ की फिल्म